हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जनवरी से लेकर सितंबर 2018 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आने वाला रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम, एसएससी या कोई भी एग्ज़ाम हो, हमें लास्ट सिक्स मंथ के करंट अफेयर्स करने ही करने पड़ते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे जनवरी से लेकर सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स शेयर करने वाला हूँ। बेसिकली ये वीडियो प्री रिकॉर्डिंग है, मैंने जैसे जैन मंथ खत्म हुआ था तो वो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, मैंने सारे वीडियोस को कंपाइल करके एक वीडियो बनाया एंड ताकि आप सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख पाओ। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम हो आप इसको इस जाने से पहले ज़रूर देख लें, ये आपकी श्योरली 101% आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, एंड अगर वीडियो आपको पसंद आया, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ताकि ज़्यादा से लोग इसका बेनिफिट उठा पाए। ठीक है, ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, मैंने मे भी डेट फ्यूचर एंड पास्ट एंड प्रेजेंट में ध्यान मत देना, आप जस्ट फोकस करना स्टडीज पे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, सो एंजॉय द वीडियो। जोजिला पास टनल हैज बीन अप्रूव्ड फॉर कंस्ट्रक्शन एंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया बाय यूनियन कैबिनेट, एंड इसकी तो अब इनाग्रेशन भी हो गई है जनवरी मंथ के करंट अफेयर से, 19 मई को इसकी इनाग्रेशन की नरेंद्र मोदी जी ने। तो आपको ये बताना था कि ये एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट जो टनल जोजिला पास टनल, तो ये कौन सी स्टेट में इसे अप्रूव किया इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए, अब तो इसकी कंस्ट्रक्शन भी पूरी हो गई है, इनाग्रेट भी हो गया। तो द आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। सेकेंड क्वेश्चन इज विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च न्यू स्वजल प्रोजेक्ट इन उत्तराक्षी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, तो इससे किसने लॉन्च किया इसे इस प्रोजेक्ट को, न्यू स्वजल प्रोजेक्ट। बेसिकली इसमें टू इम्प्रूव द सैनिटाइजेशन कंडीशंस ऑफ द स्टेट ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराक्षी डिस्ट्रिक्ट, इसके रिलेटेड है। एंड ये इसे लॉन्च किया उमा भारती ने, जो मिनिस्टर है ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन। देन थर्ड क्वेश्चन इज विच स्टेट विल गेट इंटरनेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर माइनॉरिटीज़ रिसेंटली, तो इंटरनेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाएगा माइनॉरिटीज़ के लिए, तो द आंसर इज राजस्थान। देन फोर्थ क्वेश्चन इज हु टॉप्ड द फॉर्ब्स लिस्ट रिचेस्ट पर्सन इन द टर्म्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी ओनरशिप, तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्रिस लारसन। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए सिस्टर स्टेट एग्रीमेंट विद कैंटन ऑफ ज्यूरिच, तो द आंसर इज आंध्र प्रदेश। देन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोर्ड फर्स्ट इंडिपेंडेंट फीमेल डायरेक्टर, तो द आंसर इज इंदिरा नोई। देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फंड एलोकेटेड फॉर क्रिएशन ऑफ नेशनल अर्बन हाउसिंग फंड, द आंसर इज 60,000 crore। एट्थ क्वेश्चन इज विच फिल्म हैज़ वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट 71st ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड, द आंसर इज 3 बिलबोर्ड्स आउटसाइड इबिंग मसूरी। देन व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक दैट एड्रेसेस वेज स्टूडेंट कैन टैकल स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन एज पर रिलीज, तो बुक का नाम बताना आपको, तो एग्जाम में जो स्टूडेंट को उसमें टैकल कर स्ट्रेस से टैकल करने में हेल्प करेगी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, द आंसर इज एग्जाम वॉरियर्स। देन विच रेलवे स्टेशन ऑन सेंट्रल रेलवे मेम्ड बाय स्टाफ ऑफ अबाउट 41 वुमेन हैज एंटर्ड द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड फॉर बींग ऑल फर्स्ट वुमेन स्टेशन इन इंडिया, तो ये मथुंगा रेलवे स्टेशन है, मुंबई में है, इसमें जितना सारा स्टाफ होगा वो सारा वुमेन स्टाफ होगा, तो इसका आंसर था मथुंगा मुंबई में। देन विच कंट्री हैज इमर्ज एज द फिफ्थ मोस्ट अट्रैक्टिव मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट्स एज पर सर्वे ऑफ सीईओ ऑफ ग्लोबल कंसल्टेंसी, तो आंसर इज फिफ्थ नंबर पे जो रही वो है हमारी इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट हाइपर लूप ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल बी बिल्ट टू कनेक्ट विद टू सिटीज, द आंसर इज मुंबई एंड पुणे। सो ये कुछ और क्वेश्चन हैं, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, एंड ये कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने हैंड रिटन है, तो होप सो आपको ये विजिबल होंगे। तो इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, मैं ये शेयर कर लेता हूँ, देन उसके बाद हम वापिस जो क्वेश्चन हैं उन पर चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट वुमेन लॉयर हु हैज़ बीन डायरेक्टली प्रमोटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो आई होप आपको ये क्लियर दिख रहा होगा,
पीडीएफ में आपको लिंक्स दे दूंगा, आप अगर डाउनलोड करना चाहें तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जो फर्स्ट वुमन लॉयर हैज़ बीन डायरेक्टली प्रमोटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो जो आंसर है इंदु मल्होत्रा। देन द नेशनल यूथ फेस्टिवल कॉमेमोरेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, तो नेशनल यूथ फेस्टिवल में मतलब हम किसकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं, तो करते हैं स्वामी विवेकानंद, एंड हम ये इसे करते हैं 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूथ डे, एंड इस बारे का जो थीम था वो था संकल्प से सिद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द वर्ल्ड लार्जेस्ट बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, तो जो हमारा आधार कार्ड है तो वो जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मतलब जिस पे हमारी आइडेंटिफिकेशन पूरी होती है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है जो है हमारा आधार कार्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द रेलवे स्टेशन, में ऑलरेडी उस क्वेश्चन में भी शेयर कर चुका हूँ कि कौन सा रेलवे स्टेशन बना जिसने रिकॉर्ड किया, इन लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किया, जिसमें फर्स्ट ऑल वुमेन स्टेशन, तो आंसर इज मथुरा रेलवे स्टेशन जो है मुंबई में। देन व्हेन इज प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड, प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट हम कब करते हैं, ये होता है NRI डे, जिसको हम बोलते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन ऑफ इंडिया, तो इसे हम सेलिब्रेट करते हैं 9 जनवरी को। द भारत नेट प्रोजेक्ट इज द बैकबोन ऑफ विच इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो भारत नेट प्रोजेक्ट ये आपको बताने कि किस चीज़ का बैकबोन है, तो ये है डिजिटल इंडिया का। इसमें होगा क्या कि ये ऑप्टिकल फाइबर्स बिछाए जा रही हैं हर जगह, हर बेसिकली इन रूरल एरियाज, तो उन एरियाज में इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट, इसका नाम है भारत नेट प्रोजेक्ट। देन नेम द रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे, तो इस सर्वे के अकॉर्डिंग जो रिचेस्ट स्टेट है हमारी इंडिया की वो है न्यू दिल्ली। देन द उमेश सिन्हा कम्युनिटी हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो इसे उमेश सिन्हा कम्युनिटी को किसने बनाया, किस ऑर्गेनाइजेशन, द आंसर इज इलेक्शन कमीशन। एंड इसमें है क्या कि इसको किस लिए बनाया गया, बेसिकली जब इलेक्शंस होते हैं तो उससे पहले कुछ मीडिया के चैनल्स एंड कुछ जो पहले रिपोर्ट कर देते हैं तो उसके कुछ रिलेटेड है ये, तो टू सजेस्ट द चेंजेस 126 सेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट टू इन द व्यू ऑफ सोशल मीडिया, तो ये कम्युनिटी उसको रिव्यू करने के लिए बनाई गई, तो जिस कम्युनिटी का नाम है उमेश सिन्हा कम्युनिटी, एंड इसे बनाया किसने, इलेक्शन कमीशन ने कंस्टिट्यूट किया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अदर देन इंडिया विच कंट्री इज प्रोवाइडिंग इंटरनेट सर्विसेज इन नेपाल, तो इंडिया प्रोवाइड कर रही है तो अब आपको बताना था कि और कौन सी कंट्री इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो चाइना नेपाल की काफ़ी करीब है, तो आंसर इज चाइना। नेम इंडियाज फर्स्ट एंड फास्टेस्ट मल्टी पेटल ऑफ सुपर कंप्यूटर, तो जो इंडिया का फास्टेस्ट कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बनेगा एंड वर्ल्ड का फोर्थ होगा, उस कंप्यूटर का नाम बताना आपको, तो उस कंप्यूटर का नाम है प्रत्युक्ष सुपर कंप्यूटर। देन नेम द वेन्यू ऑफ फ्लेमिंगो फेस्टिवल, तो ये आपको इसका वेन्यू बताना है, तो आंसर इज पुलिकट लेक। ये क्वेश्चन मैं शेयर कर चुका हूँ आपसे। द नेम द विनर ऑफ द गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2017 फॉर बेस्ट मोशन पिक्चर्स, द आंसर इज थ्री बिलार्ड आउटसाइड इबिंग मिसूरी। तो ये कुछ क्वेश्चन है, नाउ हम वापस उन क्वेश्चन पे चलते हैं जो मैंने वहां पे छोड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी सोलर सिटीज हैव बीन डेवलप्ड अंडर डेवलपमेंट ऑफ सोलर सिटीज की, मतलब कितनी सिटीज को सोलर सिटीज बनाया जाएगा, तो द आंसर इज 60। देन व्हाट इज द नेम ऑफ इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय यूनियन स्पोर्ट मिनिस्ट्री टू स्कॉट फॉर टैलेंट ऑफ ग्रास रूट लेवल्स एंड प्रोवाइडेड सब्सटेनल लॉन्ग टर्म स्कॉलरशिप, मतलब फ्रॉम द ग्राउंड रूट से टैलेंट को सर्च किया जाएगा, एंड कौन सी मिनिस्ट्री ये करेगी, एंड कौन से स्कीम के अंडर ये होगा, खेलो इंडिया जो 31 जनवरी को स्टार्ट किया नरेंद्र मोदी जी ने, तो इसमें
सिर्फ 17 ईयर्स तक के एज के बच्चों को, मतलब आगे उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये आपको बताना है कि कौन सी इनिशिएटिव जो स्टार्ट किया यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने, उसका नाम है खेलो इंडिया। देन विच पेमेंट बैंक साइंड ए मेमोरेंडम विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स फॉर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द बैंक इन द एरिया ऑफ पेमेंट बैंकिंग। सो द आंसर इज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। देन विच हिस्टोरिकल इंडियन पर्सनैलिटी मेमोरियल विल बी सेटअप इन लंडन। तो द आंसर इज कृष्णन मेनन, ये एक पॉलिटिशियन थे, तो इनकी एक मेमोरियल बनाया जाएगा। तो ये कहाँ पर सेटअप किया जाएगा, हिस्टोरिकल मेमोरियल, तो द आंसर इज कृष्णा मेनन, और ये कहाँ किया जाएगा, लंदन में। देन वेयर इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च। तो ये हेड क्वार्टर्स कहाँ पे हैं, द आंसर इज न्यू दिल्ली। देन विच सिटी गेट इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग पॉइंट अक्रॉस द सिटी रिसेंटली, द आंसर इज बेंगलुरु। विच कंट्री हैज बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक इक्वल पे फॉर वुमेन एंड वुमेन्स, द आंसर इज आइसलैंड। देन हाउ मैनी अमाउंट डिड इंडियन गवर्नमेंट हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू द वर्ल्ड बैंक टू फंड इम्प्रूव वाटर सप्लाई इन उत्तराखंड, द आंसर इज 120 मिलियन। देन विच बैंक हैज रिसेंटली एंटर्ड इन टू द पार्टनरशिप विद अबू धाबी बेस्ड एक्सचेंज टू मेक क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसिस यूजिंग ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, द आंसर इज फेडरल बैंक। देन इन विच बैंक डिड इंडियाज फर्स्ट डिफेंस यूनिवर्सिटी इज बींग सेटअप, द आंसर इज गुरुग्राम, जिसका पहले नाम था गुड़गांव। देन हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, द आंसर इज अरविंद पी जमकेतकर। देन विच टीम लॉन्च इज फर्स्ट कोर्स अंडर ज्ञान प्रोग्राम ऑन सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग, तो द आंसर इज नीति आयोग। देन नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हैज पार्टनर विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू मेक इट्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, द आंसर इज डीपी वर्ल्ड। इन विच इंडियन स्टेट वॉज द स्वजल प्रोजेक्ट लॉन्च बाय द सेंटर, द आंसर इज उत्तराखंड, एंड इसे लॉन्च किया उमा भारती ने, जो मिनिस्टर हैं फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन। देन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चांसलर ऑफ तेजपुर यूनिवर्सिटी, द आंसर इज विनोद कुमार जैन। देन हु हैज बीन नेम्ड एज द एंटरप्रेनर ऑफ द ईयर 2017, द आंसर इज संजीव बजाज। द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिफाइनरी ऑफ गैस क्रैकर कम्प्लेक्स हैज रिसेंटली बीन कमिशनड बाय द रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इन विच स्टेट, सो द आंसर इज जमनगर गुजरात। देन हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेजिडेंट ऑफ साहित्य अकेडमी, तो न्यू प्रेजिडेंट जो अपॉइंट हुआ, द आंसर इज चंद्रशेखर कंबार। देन विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द प्रोटोकॉल फॉर स्टार रेटिंग ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज, द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। देन इन विच इंडियन सिटी द कल्चर फेस्टिवल स्वच्छगर ऑर्गेनाइज, द आंसर इज वाराणसी। देन हु हैज बीन स्वॉन एज अ न्यू प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, द जो न्यू प्रेजिडेंट साउथ अफ्रीका के, साइरिल रामाफोसा। देन विच रेलवे बिकेम द फर्स्ट रेलवे जोन विद 100% LED लाइटनिंग एट स्टेशन, द आंसर इज साउथ सेंट्रल रेलवे। देन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्लैक कैट्स कमांडो फोर्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, द आंसर इज सुदीप लखाटिया। देन विच स्टेट टू हैव इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर, तो द आंसर इज महाराष्ट्र। देन हु अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट एम्बेसडर टू इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ एंगोला, सो द आंसर इज श्री कुमार मेनन। देन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू MD एंड CEO ऑफ SBI कार्ड, द आंसर इज हरदयाल प्रसाद। देन वट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सेंटिमेंट इंडेक्स फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेनर्स, द आंसर इज कृषि डेक्स। देन हु हैज बीन स्वॉन एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ केरला, द आंसर इज एंटोनियो डोमिनिक। विच फिल्म हैज वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 63rd जियो फिल्म फेयर अवार्ड 2018, सो द आंसर इज हिंदी मीडियम। देन हु हैज बीन स्वॉन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, द आंसर इज KP शर्मा ओली। देन वट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन रेडियो स्टेशन, सो द आंसर इज रेडियो उमंग। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट होटल गिरोवा हैज ओपन इन विच सिटी, तो जो दुनिया का सबसे
टॉलेस्ट होटल है जो गिरोवा जिसका नाम है, कहाँ पे ओपन हुआ? द आंसर इज दुबई। सो गाइज ये कुछ क्वेश्चन थे, मैंने कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किए बट स्टिल ये कुछ क्वेश्चन हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एट द लास्ट टाइम ऑफ एग्जाम आप इन्हें एक दो बारी देखेंगे देन श्योरली आपको याद हो जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। करंट अफेयर एक ऐसे सेक्शन है जिसे बस एग्जाम में उस टाइम क्लिक करना चाहिए बेसिकली। वैसे तो करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे देखा जाए तो 200 प्लस क्वेश्चंस एंड वीडियोस अपलोड हुए हैं यूट्यूब पे जो दो दो घंटे की भी हैं, चार चार घंटे की भी हैं, अगर चार चार पार्ट्स में वो वीडियोस जनवरी मंथ के, तो वो पॉसिबल नहीं है याद रख पाना। पॉसिबल है अगर आप डेस्कटॉप हो तो आप याद रख सकते हो अपने स्टोर माइंड में, अगर आपके पास चिप है कोई तो, अदरवाइज वो सब भूल जाते हैं। सो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपके साथ कुछ क्वेश्चंस तो मैंने आपके साथ कुछ एक्सप्लेन भी नहीं किया, एज इट इज रीड कर दिए, बट स्टिल दे आर इंपॉर्टेंट एंड आप जैसे भी करो आपको ये करने तो हैं ही हैं। एंड करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन है जिसे हम थॉरली जितना मर्जी कर लें वो भूल ही जाएगा, बट आपको एट द एंड एग्जाम का इतना ही टाइम रहेगा थोड़ा सा, तो ऐसे ही करने पड़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस शेयर किए मैंने आपके साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जनवरी मंथ में अगर कुछ आता है तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा, बिकॉज अब इससे बाहर करंट अफेयर जो भी आता है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ही आते हैं, तो कोई बिल्कुल डेप्थ में नहीं पूछे जाते, तो इसमें से होप सो वो क्वेश्चन जरूर निकल जाएंगे। एंड ये मैंने काफ़ी रिसर्च करके दो तीन दिन लगा के मैंने ये जहाँ से भी सर्च किए काफ़ी अच्छे सोर्सेज है, तो मैंने ये कलेक्ट करके आपसे शेयर किए। कुछ क्वेश्चन तो मैंने एज इट इज़ शेयर कर दिए, मैंने कुछ बताया भी नहीं उनके बारे में, बट स्टिल आप इन्हें देखेंगे देन आपको ये याद ही हो जाएंगे हमेशा के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड बाकी पार्ट्स बाकी वीडियोज फेब मार्च अप्रैल और मई के अंदर मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, डेली मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जो न्यू डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुआ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फरवरी मंथ के करंट अफेयर, तो द आंसर इज नीलम कपूर एंड शी इज एन आईएएस ऑफिसर। देन सेकेंड क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइंट अशगाबग्त एग्रीमेंट। अशगाबग्त एग्रीमेंट किस कंट्री ने ज्वाइन किया रिसेंटली? द आंसर इज इंडिया। एंड मैं आपको उसके थोड़ा सा बताता हूँ, इट एम्स एट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर बिटवीन ईरान, ओमान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। तो ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्टेब्लिशमेंट के लिए एंड ये पांच इन कंट्रीज के बिटवीन है। एंड जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर होता है, इट इज़ एन जनरल लीनियर एरिया डैट इज़ डिफाइंड बाय वन और मोर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद 2018 साहित्य अकेडमी भाषा सम्मान अवार्ड। तो किसे ये अवार्ड दिया गया था 2018 साहित्य अकेडमी भाषा सम्मान अवार्ड? द आंसर इज शेष आनंद मधुकर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज वॉन जियो स्पेटियल वर्ल्ड एक्सीलेंस अवार्ड 2018? तो कौन सी इज रिलेटेड टू आईटी सेक्टर? तो ये एक्सीलेंस अवार्ड जियो स्पेटियल वर्ल्ड एक्सीलेंस अवार्ड 2018 का कौन सी स्टेट ने जीता? ये जीता उड़ीसा ने। देन व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे? तो 2018 में जो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो 2 फरवरी को ऑब्जर्व की जाती है, तो इस बारी का थीम क्या था? इस बारी का थीम था वेटलैंड फॉर सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर। देन सिक्स्थ क्वेश्चन है, द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल कला मेला वाज इनॉग्रेटेड बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन। तो फर्स्ट एवर कला मेला इनॉग्रेट हुआ, इसकी इनॉग्रेशन, इसको इनॉग्रेट किसने किया था? द आंसर इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहाँ किया था? ये किया था न्यू दिल्ली में। देन वन इज वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व? तो वर्ल्ड कैंसर डे कौन से डे को ऑब्जर्व किया जाता है? ये किया था 4 फेब को। एंड जो इसका थीम था इस बारी का, वी कैन आई कैन। देन हु वाज बीन स्वॉन एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश? सो द आंसर इज सईद मोहम्मद हुसैन। हु इज द राइटर ऑफ द बुक एग्जाम वॉरियर्स? एग्जाम वॉरियर्स बुक लिखी, इसके राइटर कौन है? द आंसर इज अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। Then which union ministry has launched great green good deeds companion? तो कौन सी कंट्री ने इसे लॉन्च किया, कौन सी
यूनियन मिनिस्ट्री ने, द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एंड इसका एम है टू एम टू अवेयर स्टूडेंट अमंग क्लाइमेट एंड ग्लोबल वार्मिंग्स. द मिनामाता कन्वेंशन डील विद यूज एंड डिस्पोजल ऑफ विच एलिमेंट, डील्स विद यूज एंड डिस्पोजल ऑफ विच एलिमेंट, द आंसर इज मरकरी. देन व्हेन इज सेफर डे सेलिब्रेटेड, वर्ल्ड सेफर डे सेलिब्रेट, सेफर इंटरनेट डे सेलिब्रेट किया जाता है 6 फेब को. देन विच इंडियन इंस्टीट्यूट इज अमंग द टॉप 50 इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया, तो इंडिया का कौन सा इंस्टीट्यूट है जो टॉप 50 लिस्ट में आया इन फॉर रैंकिंग इंस्टीट्यूट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो रैंकिंग एशिया के, तो आंसर इसका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस. द नेम द कंपेनियन लॉन्च बाय गूगल ऑन ओकेजन ऑफ सेफर इंटरनेट डे, सो द आंसर इज सिक्योरिटी चेक किया. 15th क्वेश्चन है विच कंट्री हैज वॉन अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो इस क्वेश्चन का आंसर है इंडिया. नेम चाइनाज न्यू लॉन्च स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट, तो जो न्यू चाइना ने लॉन्च किया स्टेल्थ एयर फाइटर एयरक्राफ्ट उसका नाम बताना आपको, द आंसर इज J-20. हु हैज लॉन्च द फर्स्ट स्पेस कार, कार इन स्पेस, तो किसने बाय रॉकेट इसको सेंड किया कार स्पेस में, तो द आंसर इज इलॉन मस्क एंड इस कार का नाम है टेस्ला रोड स्टार, इस कार का नाम है. नेम द फर्स्ट वुमेन जस्टिस ऑफ, चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट, तो फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट इनका नाम है अभिलाषा कुमारा. देन 19th क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स रैंकिंग इशूड बाय US चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो अकॉर्डिंग टू दिस द इंडिया की जो रैंक है वो है 44th एंड जो फर्स्ट नंबर पे है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. देन विच स्टेट हैज टॉप्ड द मेडल टैली एट खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, सो इसको इनॉग्रेट 31st जनवरी को प्राइम मिनिस्टर ने किया था, तो आंसर इज इस क्वेश्चन का मेडल टैली में, तो द आंसर इज हरियाणा. नेम द वेन्यू ऑफ 2018 एडिशन ऑफ वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2018, तो ये कहाँ पे इसे होस्ट किया जाएगा, इसका वेन्यू कहाँ पे है सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्कीम 2018, द आंसर इज न्यू दिल्ली. देन नेम द साइंटिस्ट हु हैज अवॉर्डेड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस ऑन नेशनल साइंस डे ऑन फरवरी 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे भी होता है, एंड इस बार ये अवार्ड दिया गया कंट्रीब्यूशन टू साइंस, कौन से साइंटिस्ट का आपको नाम बताना है, राजवीर खान, राजवीर सिंह खानपुर. देन नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, नेपाल के पीएम जो है उनका नाम है केपी शर्मा ओली. नेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, जो न्यू प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के उनका नाम है काइरल रामाफोसा. नेम इंडियाज ट्राई सीरी मैरिटाइम एक्साइज कंडक्टेड रिसेंटली, तो ट्राई सर्विस मैरिटाइम एक्साइज जो कंडक्ट हुई इसका नाम बताना आपको, तो इसका नाम है पश्चिम लहर एंड इस में पार्टिसिपेट किया इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने एंड नेवी ने, ट्राई सर्विस मैरिटाइम सर्विस. देन उसके बाद नेम द होस्ट कंट्री ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2018, तो इसका जो होस्ट है 2018 का शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके हेडक्वार्टर्स बीजिंग चाइना में, तो आंसर इज चाइना. देन विच स्टेट हैज ओप्टेड फॉर आउट ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम अनाउंस्ड अंडर यूनियन बजट 2018-19 है वो 19 है, तो वेस्ट बंगाल ने स्टेट अपने आप को इससे वो बाहर कर लिया, उनके अकॉर्डिंग वहाँ की हेल्थ सेक्टर में ऑलरेडी काफ़ी अच्छी है, तो मतलब उनको इस चीज़ में आने की ज़रूरत नहीं है, तो उसने इस चीज़ को लेके अपने आप को यहाँ से ओप्ट बाहर कर लिया, मतलब अपने आप को बाहर कर लिया इस स्कीम से. देन उसके बाद व्हेन इज वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेटेड, वर्ल्ड रेडियो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, द आंसर इज फरवरी 13. नेम द साउथ अफ्रीका प्रेजिडेंट हु हैज़ बिन रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट ड्यू टू एलिगेशन ऑफ करप्शन, मतलब करप्शन का चार्ज उन पर लगा था एग्जाम, तो उन्होंने उससे रिजाइन कर दिया, उस प्रेजिडेंट का नाम बताना साउथ अफ्रीका के, तो आंसर इज जेकॉब जूमा. हु वॉज अ होस्ट ऑफ LPG पंचायत, LPG पंचायत को होस्ट कौन थे इसके, तो आंसर इज रामनाथ कोविंद जो हमारे प्रेसिडेंट हैं.
According to India State of Forest Report 2017, what is the percentage of forest cover in India? तो इस टाइम 2017 की फॉरेस्ट बोर्ड के अकॉर्डिंग इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो है 21.53%. नेम द न्यू इलेक्टेड प्रेजिडेंट ऑफ साहित्य अकेडमी. जो न्यू इलेक्टेड प्रेजिडेंट साहित्य अकेडमी के हैं उनका नाम है चंद्रशेखर कंबार. देन वेन एंड वेयर द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनानी मेडिसिन हेल्ड. तो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यूनानी कॉन्फ्रेंस की हेल्ड हुई थी. कब हुई थी? हुई थी 11 फरवरी 2018 न्यू दिल्ली में. नेम द सिटी वेयर ट्रेडिशनल हिंदू टेम्पल इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स विल बी लोकेटेड. मतलब ये हिंदू का टेम्पल बनाया जाएगा यूएई में. यूएई अबू धाबी इसकी कैपिटल है. तो ये आपको बताना है कहाँ बनेगा. यूएई में जो मतलब अबू धाबी में बनेगा. देन विच स्टेट हैज़ बैन द सेल ऑफ लूज सिगरेट्स. किस स्टेट ने बैन कर दी सिगरेट्स की सेल. द आंसर इज बिहार. वेन्यू ऑफ 23rd विंटर ओलंपिक्स 2018. तो द आंसर इज साउथ कोरिया. एंड जो इस बार जो हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स वो हुए थे गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में. इसका वेन्यू था. देन विच स्टेट हैज़ लॉन्च द दस्तक कंपेनियन. दस्तक कंपेनियन कौन से स्टेट ने लॉन्च किया. उत्तर प्रदेश ने किया. वहाँ किसको क्या इज रिलेटेड टू किल द डेंजरस मॉस्किटोज इन द स्टेट. नेम द वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल पैसेंजर 2017. जो वर्ल्ड का सबसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट बना 2018 का, तो आंसर इज दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट. देन सुपरसोनिक वाटर आइस हैज बिन डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट फ्रॉम विच कंट्री. तो इस क्वेश्चन का आंसर है यूएसए. नेम द इंडियन इंजीनियर हु हैज़ बिन अवॉर्डेड विद स्काईटेक ऑस्कर अवार्ड. 2018 में ये अवार्ड दिया गया फरवरी में. तो इंडियन इंजीनियर जिनको अवार्ड दिया स्काईटेक ऑस्कर अवार्ड, द आंसर इज विकास साहथे. इंडियाज न्यूक्लियर बेसाल्टिक मिसाइल धनुष इज ऑल्सो नोन एज. तो इंडिया की बेसाल्टिक मिसाइल धनुष है, इज ऑल्सो नोन बाय द नेम पृथ्वी 3rd. देन वट इज़ द इंडियाज रैंक इन कॉपरेशन परसेप्शन करप्शन परसेप्शन 2018-17. मतलब अकॉर्डिंग टू दिस जो इंडिया की करप्शन रैंक में है 2017 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया 81 नंबर पर है. जो सबसे मोस्ट करप्टेड कंट्री बनी वो है न्यूजीलैंड, जिसकी कैपिटल है वेलिंगटन. नेम इंडियाज फर्स्ट फुली वुमेन ऑपरेटेड नॉन सब अर्बन रेलवे स्टेशन. नॉन सब अर्बन रेलवे स्टेशन है. एक और रेलवे स्टेशन है जिसका नाम जो पहले अभी हुआ था फरवरी में ही, तो उसका नाम था जो फरवरी जनवरी में हुआ था स्टार्ट. ये अर्लियर जो था भातुंगा मुंबई में है, जो ऑल ऑपरेटेड बाय वुमेन्स. एंड ये एक और है सब अर्बन रेलवे स्टेशन है. ये कहाँ पे है? गांधीनगर राजस्थान में है. एंड वेन इज इंटरनेशनल मदर्स डे लैंग्वेज मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड. तो ये कब की जाती है सेलिब्रेट इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे? 21st फेब को. देन वट इज द थीम ऑफ 8th एडिशन ऑफ थिएटर ओलंपिक्स. तो 8th एडिशन ऑफ थिएटर ओलंपिक्स का जो थीम था वो था फ्लैग ऑफ फ्रेंडशिप. नेम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च. जो न्यू चेयरपर्सन अपॉइंट टू इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, उनका नाम है अरविंद जमशेदकर. देन इंडिया हैज साइन लोन एग्रीमेंट विद डैश फॉर वाटर सप्लाई टू बिहार. कौन सी कंट्री स्टेट किस का मतलब एग्रीमेंट साइन हुआ जो बिहार में वाटर पहुंचाएगी? एशियन डेवलपमेंट बैंक्स. एंड व्हेन विच इंश्योरेंस कंपनी इज लॉन्च्ड बाय पेटीएम. पेटीएम ने कौन सी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो एक इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च की, पेटीएम लाइफ इंश्योरेंस एक इन्होंने लॉन्च की एंड जनरल लाइफ इंश्योरेंस, ये दोनों पेटीएम ने इसे लॉन्च किया. जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं पेटीएम ने इसे लॉन्च किया. विच स्टेट हैज़ लॉन्च परिवर्तन स्कीम. तो परिवर्तन स्कीम कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है? हरियाणा ने की. बेसिकली इसमें ये इनके 20 मेन मोटिव्स हैं, उन पे काम करेंगी. लाइक इम्प्रूविंग हेल्थ सेक्टर, रेलवे सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इन्वायरमेंट, स्वच्छता, भारत में अबाउट 10-15 इनके मेजर प्रोजेक्ट्स हैं. इन पे ये काम करेगी, उन पे परिवर्तन लाने की कोशिश करेगी. दैट्स द रीज़न इसका नाम परिवर्तन रखा गया. देन वेन इज वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस. वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आंसर इज 20 फेब. सो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे. आई विल ट्राई कि ये ही इंपॉर्टेंट थे. इसके बाद अगर कुछ भी होगा तो आई विल श्योरली मैप सर्च करके जो भी मुझे मिलेगा मैं आई विल श्योरली एड ऑन. बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस थे मैंने आपसे शेयर किए. होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड क्लियरली विजिबल हुआ होगा ये सब कुछ. एंड फॉर PDF एंड अगर कुछ भी प्रॉब्लम आई हो पढ़ने में तो प्लीज़ मुझे बता देना.
तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, इसे शेयर ज़रूर करें। एंड मैंने ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का कर ली एक सीरीज स्टार्ट की, जिसमें मैं आपके साथ ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट की है। तो अगर वो वीडियो भी नहीं देखे वो जाके ज़रूर देख लें, वो श्योरली आपकी हेल्प करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बॉक्सर नेशनल पार्क जो वेस्ट बंगाल में, एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया एक न्यू प्लांट स्पीशीज नेम्ड आफ्टर, तो उसका नाम दिया गया नेम्ड आफ्टर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पे। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, ऑल इंडिया ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन लॉन्च इन विच स्टेट। तो एक रेलवे स्टेशन जो फॉर एम्पावरिंग वुमेन स्टेटस, तो एक वुमेन रेलवे स्टेशन जो लॉन्च हुआ हमारे स्टेट में वो हुआ है गांधीनगर जयपुर में। तो इसमें सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे फ्रॉम टिकट कलेक्टर्स टू अदर डिपार्टमेंट के जितने, वो सारे वुमेन्स रहने वाले हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन एम्बेसडर टू अफगानिस्तान। तो विनय कुमार वॉज अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर टू अफगानिस्तान। द फोर्थ क्वेश्चन इज, 105th इंडियन साइंस कांग्रेस हेल्ड इन, सो दिस वॉज हेल्ड इन इम्पाल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ अर्जेंटीना। तो ये न्यूली अपॉइंट हुए हैं, मार्च में ही हुए हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाते हैं फ्रॉम करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो न्यू प्रेजिडेंट अर्जेंटीना के बने वो है अरमेन सरिक्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय हाउ मच DA हैज़ बीन इंक्रीज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन मार्च 2018। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इनको डीएनएस अलाउंसेस मिलते हैं, तो इंक्रीज किए गए 2% से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वुमेन SHGS विल बी ट्रेंड इन मेकिंग। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ही है, उनको स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए। तो ये जो इनको स्किल्स दे रहे हैं फॉर इन प्रोड्यूसिंग मेकिंग डेवलपिंग ट्यूबलाइट्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच फाइन हैज़ बीन इम्पोज्ड बाय आरबीआई ऑन SBI। तो जो स्टेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने SBI पे जो फाइन चार्ज किया 40 लाख का, ड्यू टू सम इन्होंने करेंसीज जो बैन थी, मतलब ओल्डर वर्जन के यूज़ करने का कोई ऐसा इशू था, तो इसके लिए RBI ने इन पे फाइन चार्ज किया था 40 लाख रुपीज़ का इन 2018 मार्च मंथ में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मोबाइल एप्लीकेशन हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू एम्पावर द हाईवे यूज़र। तो एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है इन मार्च 2018, उस एप्लीकेशन का नाम था सुप्त यात्रा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली सेट अप ए टोल फ्री हेल्पलाइन टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स। तो तमिलनाडु स्टेट में एक टोल फ्री हेल्पलाइन लॉन्च की गई है फॉर प्रोवाइडिंग हेल्प टू स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन, सो दिस वॉज ऑब्जर्व ऑन 1st मार्च 2000, मतलब हर ईयर में 1st मार्च में इसको ऑब्जर्व किया, मतलब सेलिब्रेट किया जाता है। एंड जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट टू इक्वलिटी वगैरह, इन सब के इनका बेसिस होते हैं। एंड इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए, यू कैन डाउनलोड इट ऑल्सो, आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ताकि आप डिस्क्रिप्शन से उसको ईजिली डाउनलोड कर पाएँ। सो इन कमेंट बॉक्स में मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी इसके साथ मैं आपका लिंक शेयर कर दूंगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबिंदा मधुली वाज ए फेमस। तो ये भजन सिंगर थे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज 1st मार्च को इनकी डेथ हुई थी, काफ़ी फेमस थे, तो ये इज रिलेटेड टू, मतलब भजन सिंगर थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अम्मा गाँव अम्मा विकास प्रोग्राम। तो उड़ीसा में ये स्कीम लॉन्च हुई है, इज रिलेटेड टू पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज टू इन्वॉल्व देम इन कुछ भी लाइक जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए। ये सारी स्कीम उड़ीसा में लॉन्च की गई है, पीपल इन लिविंग इन रूरल एरियाज उनके लिए ये स्कीम है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजोत कौर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो नवजोत कौर जो रेसलिंग से रिलेटेड है, एंड फर्स्ट वुमेन टू विन गोल्ड इन सीनियर एशियन चैम्पियनशिप, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो नवजोत कौर जो रिसेंटली न्यूज़ में थी, तो रेसलिंग में की हैं, एंड इन द फर्स्ट वुमेन टू विन गोल्ड मेडल इन सीनियर एशियन चैम्पियनशिप। देन 15th क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट सुल्तान अलजान शाह कप। तो मलेशिया विल होस्ट दिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड CBI इंक्वायरी फॉर विच एग्जाम। जो SSI स्कैम चल रहा था, एग्जाम पेपर लीक वगैरह हो रहे थे, तो CBI इंक्वायरी इस एग्जाम के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली स्कीम 2080-20 इज इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू, सो इट इज रिलेटेड टू गोल्ड, ताकि गोल्ड को जो लोकल बिजनेसमैन वो एक्सपोर्ट कर पाए, कुछ इज रिलेटेड टू दिस। तो अगर ऐसा एग्जाम आता है 80-20, तो ये इज रिलेटेड टू गोल्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल वुमेन डे, इंटरनेशनल वुमेन डे इज ऑब्जर्व ऑन 8 मार्च। देन वेयर इज गांधीगिरी चंद्रगिरी रेलवे स्टेशन, चंद्रगिरी रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन आर्किटेक्ट हैज वॉन 2018 प्रीटिजर्स प्राइज, सो पाल कृष्ण दोषी ने ये अवार्ड जीता था। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच गवर्नमेंट हैज मेड सेल ऑफ गुटका ए नॉन बायबल ऑफेंस, तो ये हुआ है स्टेट महाराष्ट्र में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट साइबर पुलिस स्टेशन ऑफ हरियाणा एस्टेब्लिश्ड इन, तो साइबर पुलिस स्टेशन जो एस्टेब्लिश हुआ हरियाणा में वो हुआ है गुरुग्राम में, जो पहले गुड़गांव था देन नाउ गुरुग्राम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन वुमेन बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन फ्रॉम द फील्ड ऑफ लॉ एंड जस्टिस कन्फर्ड एज नारी शक्ति पुरस्कार, तो जो अवार्ड इनको मिला है वो है गीता मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ द फाउंडर ऑफ नीति आयोग सीईओ, तो अमिताभ कांत वाज द सीईओ ऑफ नीति आयोग, फाउंडर ऑफ नीति आयोग सीईओ। देन फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018, तो दिस विल हेल्ड इन रशिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल बिकेम द ऑफिशियल एम्पायर पार्टनर ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग IPL जो आने वाला है, तो फॉर 5 ईयर्स Paytm जो ऑफिशियल एम्पायर पार्टनर जो अभी रिसेंटली बना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनियन मिनिस्टर हैज बिन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री फॉर सिविल एविएशन, तो सुरेश प्रभु। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे इज ऑब्जर्व ऑन, सो इट वॉज ऑब्जर्व ऑन 15th March एवरी ईयर। देन SBI स्लैशेज मिनिमम बैलेंस चार्जेस बाय अप टू, काफ़ी ज़्यादा चार्जेस मिनिमम बैलेंसेस के जो डिडक्ट करते थे SBI वाले, तो 75% तक उसमें मतलब छूट हो गई है, अब काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इसमें रिडक्शंस कर दिए हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन विनर ऑफ सुल्तान अलजान का शाह कप हॉकी टाइटल 2018 में जो विनर है वो है ऑस्ट्रेलिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट हैज़ पास्ड अ बिल प्रपोजिंग डेथ पेनल्टी इन रेप केस बिलो 12 ईयर्स, तो हरियाणा में ये हुआ है अमेंडमेंट पास, बिल पास की इन केस ऑफ रेप केस इफ द गर्ल इज बिलो 12 ईयर्स तो वो डेथ पेनल्टी के लिए इन स्टेट हरियाणा। देन इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड अम्ब्रेला एग्रीमेंट इन डिफेंस सेक्टर, तो डिफेंस सेक्टर में अम्ब्रेला एग्रीमेंट हुआ है ये साइंड मेमोरेंडम, सो इट वॉज इन बिटवीन इंडिया एंड मदासागर। देन वट इज द इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, तो इंडिया की जो रैंक है वो है 133। नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेट्स वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरीट इन, सो इट वाज इन मॉरिशियस। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 2018 की जो थीम थी वो है मेकिंग डिजिटल मार्केट प्लेसेस फेरियर। नेम द चेयरमैन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी बोर्ड ऑफ इंडिया, तो जो चेयरमैन है इसके वो है MS साहू। देन इन इंडिया नेशनल कंज्यूमर डे इज ऑब्जर्व ऑन, तो इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है जो सेलिब्रेट किया जाता है वो है 24 दिसंबर, एंड वर्ल्ड वाइड जो ग्लोबली से सेलिब्रेट किया जाता है वो है 15th March। इंडिया हैज़ हैंडेड आवर लास्ट डीजल रेलवे लोकोमोटिव इंजन टू, सो म्यांमार द आंसर। देन इंडिया एंड डैश हैज़ साइंड $120 मिलियन लोन टू इम्प्रूव रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो किस बैंक के साथ जो ये साइंड हुआ है प्रोजेक्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। देन उम्मीद स्कीम इज रिलेटेड टू विच स्टेट, तो ये J&K की है, ये इज रिलेटेड टू J&K फॉर इम्पोवनिंग द स्टेटस ऑफ वुमेन्स। देन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मेकरलम विंडो फॉर असेसिंग थाउजेंड्स ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, तो एक ऐप एक लॉन्च कर रहे हैं ये एक विंडो फॉर असेसिंग गवर्नमेंट सर्विस की इंफॉर्मेशन के लिए, तो द स्टेट है वो है केरला में ये फर्स्ट लॉन्च हो रही है। देन विनर ऑफ एशियन बिलार्ड्स चैम्पियनशिप तो 2018 वो हैं पंकज अडवाणी। देन 2018 कॉमनवेल्थ गेम विल बी हेल्ड इन, ये ऑस्ट्रेलिया में होगी। देन वर्ल्ड TB डे इज ऑब्जर्व ऑन 24th March।
वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सैंडस्टोन केम फाउंड इन, तो जो लॉन्गेस्ट सैंडस्टोन फाउंड जो हुई है वो हुई है मेघालय में। देन ली स्पेनी हु डाइड रिसेंटली वॉज ए फेमस, तो रिसेंटली इनकी डेथ हुई है वो थे वॉज ए फेमस जर्नलिस्ट। देन सी आर पी एफ रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स डैश रेजिंग परेड, सो 79th रेजिंग परेड सेलिब्रेट किया रिसेंटली सी आर पी एफ ने। देन 7th इजिप्ट जॉइंट कमिश्नर मीटिंग हेल्ड इन, तो दिस वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। देन विच इंडियन हैज़ वॉन द एशियन वुमेन्स स्नूकर टाइटल 2018, तो एमी कमानी ने ये टाइटल जीता 2018 स्नूकर टाइटल। देन जी के रेड्डी मेमोरियल नेशनल अवार्ड इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट, तो इट इज़ रिलेटेड टू जर्नलिज्म, तो लास्ट जो मिला है करण थापर 2017 में इनको मिला है। देन वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट, तो वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं हम 22 मार्च को। देन रिसेंटली आर्मी हैज़ रिलीज ए बुक ऑन परमवीर चक्र अवार्ड्स, तो जो ऑथर हैं इस बुक की वो हैं डॉक्टर प्रभा करण जैन। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंडियन विच कंट्री विल होस्ट G20 समिट 2018, तो अर्जेंटीना विल होस्ट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया हैज़ बिकम द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, मतलब किस नंबर की, थर्ड नंबर की इंडिया मतलब बन गई है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कंट्री। देन इंडिया हैज़ बिकम द डैश लार्जेस्ट ऑटो मार्केट इन द वर्ल्ड, तो इन ऑटो मार्केट सेक्टर इंडिया इज इन फोर्थ प्लेस एंड इन इलेक्ट्रिसिटी इंडिया इज इन थर्ड प्लेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैज़ एक्सटेंडेड पैन आधार लिंकिंग डेडलाइन टू 30 जून तक हो गई है, पहले 30 मई तक थी एंड एक्सटेंड अप टू 4 मंथ के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिस्ट्रिक्ट द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू बिकेम 100% सोलर पावर्ड हेल्थ सेंटर्स, तो सूरत फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बना है जहाँ 100% सोलर पावर्ड हेल्थ सेंटर हो गए सारे। द नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड न्यू ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी विच कुड हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द स्प्रेड ऑफ कैंसर, जो ऑर्गन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया वो है इंटरस्टिटियम, तो इट विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द काज ऑफ स्प्रेड ऑफ कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द बैंक हु डिसाइडेड टू मर्ज इट्स टू ब्रांचेज इन हांगकॉन्ग, तो यूको बैंक है जिसने अपनी 2 ब्रांचेज को मर्ज करना है इन हांगकॉन्ग। देन द लास्ट क्वेश्चन इज हु वाज वॉन द 2018 बिलर्ड्स चैंपियनशिप, आई थिंक ये रिपीट हो गया, द आंसर इज पंकज अडवाणी। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द 2018 मार्च करंट अफेयर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लिए मैंने इस वीडियो में। सो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा, इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर सजेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो 1 अप्रैल का इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इज गोइंग टू लॉन्च न्यू स्कीम जिसका नाम है भारत समर इंटर्नशिप, तो बेसिकली इज रिलेटेड टू स्वच्छता अभियान ही है, तो यूथ को इन्वॉल्व करना, कॉलेज यूथ को इन अपकमिंग समर वेकेशन, सो ताकि ये विलेज में वर्क करवाना स्वच्छता का, तो ये एक न्यू स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करी जिसका नाम है भारत समर इंटर्नशिप, तो इसका काम अपकमिंग समर वेकेशन में यूथ को इन्वॉल्व करके किया जाएगा। सो दिस द फर्स्ट क्वेश्चन। देन सेकेंड क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ आयुष्मान भारत मिशन, तो आयुष्मान भारत मिशन के जो न्यू सीईओ, तो जो आयुष्मान भारत मिशन इज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस टू द पुअर फैमिलीज, 5 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के अंडर, तो जिसके न्यू सीईओ अपॉइंट हुए हैं वो हैं इंदु भूषण। देन थर्ड क्वेश्चन इज विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन वॉज नेम्ड एज द फ्लैग बेरर ऑफ द इंडियन कंटिजेंट फॉर द 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स इन गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया में ये हो रहे हैं चल रहे हैं, तो फ्लैग बेरर जो रिप्रेजेंट करता है लाइक स्टेट को, हमारे इंडिया कंट्री के फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है, तो वो जो स्पोर्ट्स पर्सन जिनका नाम नॉमिनेट हुआ वो है पीवी सिंधु। देन फोर्थ क्वेश्चन इज यूनियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डाइवर्स 76% स्टेक इन विच एयरलाइंस, तो फाइनेंशियल हेल्प दी जाती थी जो एयर इंडिया को, तो वो उसे वापस लेने की यूनियन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, तो विच एयरलाइंस जो है वो है एयर इंडिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडिया रिप्रेजेंटेटिव टू एग्जीक्यूट बोर्ड ऑफ यूनेस्को, तो जो न्यू अपॉइंटेड हुए हैं तो जिनका नाम है प्रोफेसर जी एस राजपूत।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन सिलेक्टेड इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार, रिसेंटली इलेक्टेड हुए हैं वो, इनका नाम है विन माइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी शौर्य चक्र्स वर कन्फर्ड पोस्टमली बाय द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इन रिसेंटली गारंटी अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो अभी फिलहाल हाल ही में जो गैलेंट्री अवार्ड्स हुए, जो इन्होंने 5 शौर्य चक्र्स डिस्ट्रीब्यूट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चेयरमैन चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो जो एक्टिंग चेयरपर्सन राइट नाउ अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है जावेद रहीम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च टोल फ्री हेल्पलाइन 181 साकी फॉर वुमेन्स, वुमेन सिक्योरिटी के लिए ये टोल फ्री नंबर लॉन्च किया गया। तो किस स्टेट में किया गया? असम में। देन लास्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ बैगर्स एज पर डाटा रिलीज बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। तो सबसे ज्यादा बैगर्स जो स्टेट में है वो है वेस्ट बंगाल में। सो दिस इज द फर्स्ट अप्रैल टॉप 10 करंट अफेयर्स। नाउ आई विल शेयर 2nd अप्रैल टॉप 10 करंट अफेयर्स। सो नाउ आई विल स्टार्ट द करंट अफेयर्स ऑफ 2nd अप्रैल, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रिप्लेस वियतनाम टू बिकेम द 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोबाइल। तो वियतनाम को जिसने रिप्लेस किया है 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोबाइल में, वो है इंडिया ने, एंड जो फर्स्ट पे है वो है चाइना। देन सेकेंड क्वेश्चन ऑफ 2nd अप्रैल टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेकेंड क्वेश्चन है, विच टू पर्सन विल बी कन्फर्ड विद प्रेस्टिजियस पद्म अवार्ड, जिनको अब मिल चुका है। तो वो स्पोर्ट्स पर्सन जो ये दो हैं, वो फर्स्ट पंकज अडवाणी बिलार्ड्स चैंपियनशिप एंड MS धोनी, यानी सबको पता होगा कौन है, वो बताने की जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टू डे मीटिंग ऑफ परमानेंट इंडस कमीशन PIC बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वार रिसेंटली। तो कहाँ पे रिसेंटली हुई है हेल्थ? ये हुई न्यू दिल्ली में। देन द फोर्थ क्वेश्चन, नेम द बैंक डेट हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वॉइस बोट किया। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने किया है। बेसिकली फंक्शन ये है कि फॉर कन्वीनियंस ऑफ कस्टमर्स, तो ईजिली वर्क करने के लिए, ताकि उनको जल्दी से उनको सर्विस प्रोवाइड की जाए, तो इस ऐप की हेल्प से यही होगा। तो फर्स्टली लॉन्च किया किस बैंक ने? कोटक महिंद्रा बैंक ने। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज, विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स लार्जेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल बेसाल्टिक मिसाइल सम्राट। तो ये सैटेलाइट जो इन्होंने बेसाल्टिक मिसाइल जो टेस्ट की, वो है रशिया ने की है सक्सेसफुली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, J&K क्रिकेट एसोसिएशन हैज अपॉइंटेड विच इंडियन क्रिकेटर एज द कोच कम मेंटर ऑफ सीनियर स्टेट साइड फॉर 2018-19 सेशन। तो इरफान पठान को, क्या एक्चुअली इसके नाम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, तो आप इसे देख लेना, इरफान पठान है, पठान है, इरफान पठान नहीं है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो 2018-19 सेशन के लिए इनको कोच कम मेंटर एज अपॉइंट किया गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश हैज बीन अपॉइंटेड बाय BCCI एज अ हेड ऑफ एंटी करप्शन यूनिट। तो अजीत सिंह को अपॉइंट किया गया हेड ऑफ एंटी करप्शन यूनिट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पोर्ट्स पर्सन वाज एडजर्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर बाय तेलंगाना स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन एनुअल अवार्ड्स में। स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर्स का अवार्ड जो दिया गया वो है मिथाली राज, ये इंडियन वुमेन्स क्रिकेट की कैप्टन है। देन नाइन्थ क्वेश्चन, विच स्टेट टू होस्ट एशियाज लार्जेस्ट स्टार्टअप कंक्लेव। तो कौन सी स्टेट इसको होस्ट करेगी? वो करेगी केरला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वट इज द नेम ऑफ द इंडियाज लॉन्गेस्ट एलिवेटेड रोड इनोग्रेटेड बाय CM योगी इन उत्तर प्रदेश। तो CM योगी ने ये रोड को इनोग्रेशन किया, लाइक एलिवेटेड रोड, एक ब्रिज आप कह सकते हो अबोव फ्रॉम द ग्राउंड, तो सबसे लॉन्गेस्ट है, एंड इसका नाम है हिंदोन एलिवेट रोड। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो 10.3 किलोमीटर लॉन्ग है। सो गाइस, 2nd अप्रैल के हो गए, नाउ आई विल शेयर 3rd अप्रैल टॉप 10 करंट अफेयर्स। सो दिस इज अ 3rd अप्रैल टॉप 10 करंट अफेयर्स, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज वॉन इट संतोष ट्रॉफी फुटबॉल फॉर द 6th टाइम। तो जो रिसेंटली जीता है वो जीता है केरला ने। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लॉन्च ए न्यू स्कीम रूपेश्री गिविंग इट फाइनेंशियल सपोर्ट टू। तो ये रूपेश्री एक स्कीम लॉन्च की गई वेस्ट बंगाल ने, तो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए मैरिज ऑफ पुअर गर्ल्स 25,000 तक का अमाउंट उन्हीं की शादी से पहले उनको दिया जाएगा। देन थर्ड क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी।
रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं विनीत जोशी. फोर्थ क्वेश्चन इज फ्रैंक वेटलर स्टेनमियर इज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री. रिसेंटली इलेक्टेड हुए हैं, इलेक्ट हुए हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो जर्मनी के ये प्रेजिडेंट हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एयरपोर्ट इज एडजर्ड एज द क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन द इंडियाज बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ. तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. मैंगलोर क्लीनेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ द कंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर के दोबेंद्र सिंह हु पास्ड अवे वाज रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट. इनकी रिसेंटली डेथ हुई है, वो किस स्टेट के सीएम थे, वो थे मणिपुर के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज नाउ बिकेम द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ आलमोंड्स इन द वर्ल्ड. तो नाउ आलमोंड्स के इम्पोर्टर में इंडिया सबसे नंबर फर्स्ट पे है. द नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मनी टोटल पद्म अवार्ड्स वर गिवन इन 2018. तो रिसेंटली जो दिए गए टोटल 84 पद्म अवार्ड्स दिए गए. तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक तो पंकज अडवाणी हमें पता होनी चाहिए एंड एम एस धोनी ये हमें पता होना चाहिए. देन वर्ल्ड ऑस्टिज्म अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट. तो ये 2 अप्रैल को किया जाता है ऑब्जर्व. देन 10th क्वेश्चन इज देन लास्ट क्वेश्चन इज हु इज द विनर ऑफ मैन सिंगल मेमी ओपन 2018. तो इसमें जो जीता है जॉन इस्नर ने जो जीता है मेन्स में, एंड जो वुमेन्स में जीता है वह स्लोन स्टेपिंस. मैंने 7वें क्वेश्चन ले लिए एंड जो इस हो कहाँ रहे थे ये हो रहे थे यूएसए में. सो ये 3 अप्रैल के थे. नाउ आई विल शेयर 4 अप्रैल करंट अफेयर्स. सो 4 अप्रैल का फर्स्ट जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट टॉप 10 करंट अफेयर्स में, तो बट विच इज द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री टू स्विच फ्रॉम बीएसवी 4 ग्रेड फ्यूल्स टू बीएस 6 ग्रेड फ्यूल्स. तो ये दिल्ली ने ही किया सबसे पहले अपग्रेडेशन, काफी ज्यादा एयर पोल्यूशन है उस स्टेट में. सो दिस इज द रीजन उन्होंने अपग्रेडेशन की. बेसिकली इसमें सल्फर कंटेंट कम होगा तो इस वजह से थोड़ी सी हेल्प मिलेगी एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने में. तो सबसे फर्स्टली ये हुआ न्यू दिल्ली में. एंड सेकंड क्वेश्चन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस. तो संजीव नोतियाल अपॉइंट हुए न्यू सीईओ ऑफ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस. 3rd क्वेश्चन इज रेडलर ऐप इज रिलेटेड टू. तो रेडलर ऐप ओला ने लॉन्च की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के लिए. लाइक ओला कैब्स की ऑलरेडी काफी ज्यादा एप्स थी बट न्यू रेडलर ऐप इन्होंने न्यू इसको किया इन्होंने इसको. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन लॉन्च डिजिटल पेमेंट सर्विस ऑन एंटरप्राइजेस सोशल नेटवर्किंग ऐप कैजला इन इंडिया. कैजला माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च की बेसिकली ट्रांजैक्शंस करने के लिए, पेमेंट करने के लिए, मनी सेंड करने के लिए, मनी को रिसीव करने के लिए. तो ये न्यू सोशल नेटवर्क ऐप इन्होंने कैजला नाम से माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च की. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम पेंशन ग्रांटेड अटल इन अटल पेंशन योजना. तो मिनिमम जो पेंशन है वो 1000 एंड मैक्सिमम 5000 तक दी जाएगी पुअर ओल्ड पीपल्स को. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का. इनका जो हेडक्वार्टर्स है वो है न्यू दिल्ली में. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्लांट विच हैज बीन डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट इन वेस्टर्न घाट्स. रिसेंटली अभी ये डिस्कवर्ड हुआ जिसका नाम है फिमरी लिस्टलिस एसेसथीमलेंसिस. काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नाम है तो आप एक बार ही पढ़ेंगे तो देन आपको श्योरली याद ही रह जाएगा. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा. री इलेक्ट हुए हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली थैंक यू इंडिया कंपेनिंग हैज बीन कंडक्टेड इन विच सिटी. तो ये रिसेंटली हुई, ये हुई कहाँ पे, न्यू दिल्ली में. देन द लास्ट क्वेश्चन इज ई वे बिल इज रिक्वायर्ड फॉर मूविंग गुड्स. अवर ई वे बिल भी फ्रॉम 1 अप्रैल इम्प्लीमेंट हो गया. तो फॉर इन जीएसटी तो ट्रांजेक्शन करने के लिए, सप्लाई करने के लिए वन स्टेट टू अनदर स्टेट कितने अमाउंट तक की जो आप परचेज या सेल करते हो सप्लाई को दूसरी स्टेट में भेजने के लिए ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा. तो वो है अप टू 50,000 से अबो जो भी आप ट्रांजेक्शन करोगे, जो भी सेल परचेज करोगे उसके लिए आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा. सो ये 4 अप्रैल के थे. नाउ आई विल शेयर 5 अप्रैल टॉप 10 करंट अफेयर्स. सो दिस इज द 5 अप्रैल टॉप 10 करंट अफेयर्स. फर्स्ट रो क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम 2018 जो ऑस्ट्रेलिया में चल रहे हैं, तो उसका मोटो क्या है 2018 वेल्थ गेम्स का. तो उसका मोटो है शेयर द ड्रीम्स. सेकंड क्वेश्चन है इंडियन आर्मी है यहाँ पे अमेरिकन ही, हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑन डिफेंस सैलरी पैकेज विद विच बैंक. तो डिफेंस सैलरी पैकेज का जो एक मेमोरेंडम साइन हुआ इंडियन डिफेंस मतलब आर्मी पर्सन एंड
डिफेंस का जो भी हुआ ये हुआ किस बैंक के साथ, ये हुआ HDFC बैंक के साथ, मेमोरेंडम साइन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज लॉन्च जियो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक से जॉइंट वेंचर बिटवीन रिलायंस इंडस्ट्री एंड किस बैंक के साथ इनकी टाई अप है इस चीज के लिए, इंडस्ट्री पेमेंट्स के लिए, तो वो है SBI बैंक के साथ। देन फोर्थ क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट टू बिगेन पेमेंट बैंक सर्विसेज, फर्स्टली एयरटेल ने ही लॉन्च की थी 2015 में की थी ये फर्स्टली पेमेंट बैंक जो एयरटेल के बने थे। फिफ्थ क्वेश्चन इज इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, वो किया जाता है 4 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी हैज साइंड एग्रीमेंट विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, स्किल्स एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट के साथ मेमोरेंडम साइन हुआ, एग्रीमेंट साइन हुआ ताकि मोर एंड मोर जॉब्स क्रिएट हो हमारी कंट्री में, ताकि अनएम्प्लॉयड यूथ को एम्प्लॉयमेंट दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बैन द सेल ऑफ नॉन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, तो सिक्किम ने ये नॉन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की सेल को बैन कर दिया। देन हु इज द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो न्यू प्रेजिडेंट जो अपॉइंट हुए हैं इलेक्ट हुए हैं जिनका नाम है हिमांता बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रायल रन ऑफ फर्स्ट ट्रेन बिटवीन कोलकाता एंड ढाका वाज फ्लैग्ड ऑफ ऑन 3 अप्रैल, तो बेसिकली ये पैसेंजर ट्रेन या कंटेनर ट्रेन है मटेरियल को गुड्स को फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर सप्लाई करने के लिए, ये फर्स्ट ट्रेन की जो ट्रायल बेसिस पे चल रही थी तो ढाका एंड कोलकाता इंडिया एंड बांग्लादेश के बिटवीन हुई। देन द लास्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज अनाउंस्ड द यूजिंग व्हाट्सएप टू कम्युनिकेट विद कस्टमर्स, इससे पहले SMS सेंड किए जाते थे बट इस सिलंद बैंक ने व्हाट्सएप का फीचर एड ऑन किया कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। सो नाउ आई विल शेयर 6 अप्रैल टॉप 10 करंट अफेयर्स। सो दिस इज द 6 अप्रैल टॉप 10 करंट अफेयर्स, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन वॉन द फर्स्ट, जिसने किसने फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता इंडिया का 21st एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो साइकॉन मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग 48 kg वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता। सेकेंड क्वेश्चन, रिसेंटली विच सिटी दोहा बैंक हैज सेटअप इज फर्स्ट ब्रांच ओपन हुई दोहा बैंक की, कौन सी सिटी में, वो ही चेन्नई में। देन विच हाई पावर्ड कमेटी वॉज फॉर्म टू एग्जामिन CBSE एग्जाम प्रोसेस, पेपर लीक हो रहे थे इनमें तो न्यू कमेटी तो हुई बनी है जिसका नाम है विनयशील ओबराय कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट वॉज एडजर्ड एज द ओवरऑल बेस्ट इंस्टीट्यूशन एज पर NIRF रैंकिंग 2018, तो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट जो 2018 बाय एज पर NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्हाम अजीत हु पास्ड अवे वाज रिसेंटली एसोसिएटेड विद विच फील्ड, तमिल के फिल्म डायरेक्टर थे तो इज रिलेटेड टू फिल्म इंडस्ट्री। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द इंडियाज पोजिशन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ रिस्क ऑफ साइबर थ्रेट्स इन 2017 एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट्स, लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया 3rd नंबर पे है, जो 1st नंबर पे है साइबर थ्रेट्स इन टर्म्स उसके टर्म्स में वो है US। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विच पर्सन वॉन कॉमनवेल्थ गेम्स सिल्वर, रिसेंटली इन्होंने जो फर्स्टली सिल्वर जो मेडल जीता कॉमनवेल्थ गेम्स में, जो फर्स्ट है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता वो है AP गुरु राजा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर रिसेंटली, तो जो इलेक्ट हुए हैं वो है ए चंद्रा भूषण। नाइन्थ क्वेश्चन इज विच सिटी होस्टेड द 9th ट्राइलेटरल मीटिंग ऑफ इंडिया जापान एंड यूनाइटेड स्टेट, तो 3 कंट्रीज के बीच ये मीटिंग होती है ट्राइलेटरल मीटिंग होती है, तो कहाँ पे ये होस्ट हुई, ये हुई न्यू दिल्ली में। एंड लास्ट क्वेश्चन इज इंडियाज डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्शन ग्रो हाउ मच परसेंट इन द फाइनेंशियल ईयर 2017, कुछ रूल्स इनकम टैक्स के रिटर्न के चेंज किए गए थे तो स्टिकनेस की गई थी बेसिकली कहा जाए, तो उसकी वजह से 17.1% एक्स्ट्रा डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट हुए, तो दिस इज अ गुड थिंग फॉर अवर कंट्री। नाउ आई विल शेयर 7th अप्रैल, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील, तो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील में सबसे सेकेंड नंबर पे है वो है इंडिया एंड जो फर्स्ट नंबर पे है वो है चाइना। सेकेंड क्वेश्चन, रिसेंटली विच बैंक हैज फाइंड 9 करोड़ फाइन ओवर रेमिटेंस स्कैम बाय फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, तो फाइनेंशियल स्कैम था जो कुछ लोन्स वगैरह का,
तो 9 करोड़ का जो टाइम पे नहीं दे पाए, तो 9 करोड़ का फाइन किया गया फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज लॉन्च सोशल मीडिया बेस्ड रेमिटेंस सर्विस फॉर NRIs? तो बेसिकली इसमें पेमेंट्स वगैरह विड्रॉ कर सकेंगे एंड सेंड कर सकेंगे, तो ये HDFC बैंक ने ये लॉन्च की स्कीम फॉर NRIs। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेपो रेट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी स्टेटमेंट 18-19 के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर का जो रेपो रेट 9.6% ही है, अनचेंज है, एंड जो उसका बैंक रेट वो भी अनचेंज ही है 5.75%। एंड रेपो रेट जिस रेट पे RBI जो कमर्शियल बैंक को लोन वगैरह प्रोवाइड करती है उसको हम रेपो रेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक ऐप हैज बीन लॉन्च फॉर कोल क्वालिटी मॉनिटरिंग बाई यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड यूनियन मिनिस्ट्रीज, जो पीयूष गोयल जो इनके यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक न्यू ऐप लॉन्च की जिसका नाम उत्तम है, फॉर कोल क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए ये न्यू ऐप लॉन्च हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज वॉन द फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल इन द 69 kg कैटेगरी ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स? दीपक लाथर ने ये जीता एंड यंगेस्ट प्लेयर बने जिन्होंने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता। देन इंडिया डिफीटेड बांग्लादेश टू विन द 5th साउथ एशियन वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप, कहाँ पे ये हो रही थी? इंडिया ने बांग्लादेश को हराया, ये हो रही थी लखनऊ में। देन BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हैज सक्सेसफुली कमीशनड द 330 MW किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो ये कहाँ पे हुआ? ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ, तो ये कहाँ पे हुआ? जम्मू एंड कश्मीर में। देन 9th क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू सर्बिया? तो सुब्रता भट्टाचार्य रिसेंटली अपॉइंट हुई हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज सिविल एविएशन, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ डे जो ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है, किस डेट को किया जाता है? दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन 7th अप्रैल। देन सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मोस्ट वल्नरेबल कंट्री इन द टर्म्स ऑफ साइबर थ्रेट? इन केस ऑफ साइबर थ्रेट्स USA इज द टॉप, सबसे ज्यादा साइबर क्राइम्स यहीं पे होते हैं। एंड इन केस ऑफ दिस इंडिया जो हमारा है वो है 3rd नंबर पे। देन 3rd क्वेश्चन इज, ग्लोबल लॉजिस्टिक समिट 2018 हेल्ड इन विच सिटी? तो ये न्यू दिल्ली में हुई अभी। बेसिकली इन दिस इस समिट में जो इमर्जिंग हीरोज इन जो राइजन हुए लाइक एंटरप्रेनर्स ग्लोबली, तो उन सबको ये अवार्ड, उनकी अवार्ड फंक्शन होते हैं ये, तो उनको वहाँ अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं। तो इस बार ये जो हुआ ये न्यू दिल्ली में हुआ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सहयोग आयोग बिलोंग इज अ जॉइंट एंटी पायरेसी सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये बोथ एक रेस्क्यू एक्सरसाइज है, तो इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच? साउथ कोरिया। देन 5th क्वेश्चन इज, विच हॉकी टीम वॉन अगेंस्ट मलेशिया एंड गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 ऑस्ट्रेलिया में हो रहे? तो किस टीम ने मलेशिया के अगेंस्ट मैच जीता? तो वो जीता हमारी इंडिया ने। देन द 6th क्वेश्चन इज, हु बिकेम द यंगेस्ट वेट लिफ्टर जिसने मेडल जीता कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में? तो जिसका नाम है दीपक लाथेर। तो ये यंगेस्ट हैं जिन्होंने इस उम्र में ये फर्स्ट इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो इज द यंगेस्ट मैन। The next question is, which rocket sounding rocket launched for atmosphere studies by ISRO? Indian Space Research Organization ने एक ये rocket लॉन्च किया तो for atmosphere studies, उसका नाम है RS-300। Then 8th question is, which cricket player becomes the most capped player in women's ODIs? सबसे ज्यादा ODIs खेलने वाली जो इंडियन वुमेन क्रिकेट की कैप्टन है जिनका नाम है मिथाली राज। Then 9th question is, which country will host summit on Syria war with Russia and Iran? Syria का war चल रहा है Russia and Iran में, जो एक summit होनी है ये कहाँ पे होनी है and कौन सी country से host करेगी? वो करेगी Turkey। The final question is, which state promise पक्का houses for all laborers by 2022? तो 2022 तक promise government ने किया कि सारे laborers का एक उनको प्रोवाइड किया जाएगा पक्का हाउस, तो ये कौन सी स्टेट ने किया? ये किया मध्य प्रदेश ने। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। एंड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा। सेकंड क्वेश्चन इज,
यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह विल इनॉग्रेट विच वेब पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर ब्रेव हार्ट सोल्जर हु सैक्रिफाइड देयर लाइफ ड्यूरिंग ड्यूटी। जो होम मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, इनॉग्रेट करेंगे एक वेब पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन होगी ये एक सोल्जर्स के लिए जो अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर लेते हैं ड्यूरिंग देयर ड्यूटी, तो उनके लिए ये इस ऐप का नाम जो होगा वो भारत के वीर। तो अगर आप उनकी फैमिलीज को, जो फैमिलीज रह जाती हैं उनकी उनकी फैमिलीज को कुछ भी अमाउंट ऑफ कुछ भी मनी अगर देना चाहते हैं देन इस ऐप की हेल्प से आप उन्हें अमाउंट वो आप सेंड कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। इस ऐप में उनके सारे डिटेल्स रहेंगे, उनके अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर सारे, सोल्जर्स की सारी डिटेल्स। तो इस ऐप की हेल्प से आप उन्हें अमाउंट सेंड कर सकते हैं, कुछ भी अगर आप मनी डोनेट करना चाहते हैं या कुछ भी देना चाहते हैं, उनकी हेल्प करना चाहते हैं फाइनेंशियल, तो आप इस ऐप की हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऐप इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट फॉर फार्मर्स टू एसेस डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक न्यू ऐप लॉन्च की फॉर फार्मर्स, उजहवन नाम जिसका है, जिसकी हेल्प से फार्मर्स इंफॉर्मेशन ले सकते हैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स जो बैठे हुए हैं अबाउट द सीजनल क्रॉप्स या फिर कुछ भी अगर उनको फर्टिलाइजर्स मैनुअल्स जो भी चाहिए होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कौन सी क्रॉप के लिए क्या चीज जरूरत पड़ सकती है एंड क्या चीज उन्हें राइट टाइम पे उसे यूज करनी है। तो ये इस ऐप की हेल्प से वो अपनी क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो काफी अच्छी ऐप है ये जो फार्मर्स के लिए लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वॉन द सेकेंड गोल्ड मेडल बाय विनिंग द वुमेन्स 53 केजी इवेंट इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2018। कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो सेकेंड गोल्ड मेडल किसने जीता, कुम कचन संजीता चानू जी ने जीता सेकेंड गोल्ड मेडल वुमेन्स 53 केजी इवेंट में। तो जो फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था वो मीराबाई चानू ने जीता था, वो 48 केजी इवेंट में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट विल ऑफर फ्री कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट फॉर कैंसर पेशेंट्स फ्रॉम जून। तो जून के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये फ्री कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट देगी कैंसर पेशेंट्स को, तो ये काफी अच्छी उन पेशेंट्स के लिए बात है जिनको काफी कॉस्टली होता है ये कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट, तो जिनको ये प्रॉब्लम है उनके लिए ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये सर्विस प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट बिकेम द इंडिया स्टेट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो स्टेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाता है, तो 2017 की जो स्टेट ऑफ द ईयर बनी है वो है छत्तीसगढ़ एंड 2016 में जो स्टेट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था वो दिया था आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनियन गवर्नमेंट बैंड इंपोर्ट्स ऑफ विच हार्मोन टू स्टॉप द मिसयूज इन द लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री। तो यूनियन गवर्नमेंट ने ऑक्सीटॉक्सिन को बैन कर दिया बिकॉज इसका काफी ज्यादा मिसयूज हो रहा है स्पेशली इन लाइफ स्टॉक्स लाइक डेयरी फार्म्स में, वहां पे इसका मिसयूज होता है, फोर्सफुली काओ का मिल्क लिया जाता है एंड वेजिटेबल्स फ्रूट्स को फोर्सफुली ग्रो करने के लिए ये हार्मोन को यूज किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, तो यूनियन गवर्नमेंट ने इस हार्मोन को बैन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जम्मू गॉट इट्स फर्स्ट ट्यूलिप गार्डन एट विथ डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू रीजन। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये ट्यूलिप गार्डन बना है, ये बना है रामबन सनासर में, तो कश्मीर में है ऑलरेडी, जिसका नाम इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोफेसर ऑफ विच यूनिवर्सिटी हैज डिस्कवर्ड टू न्यू लैंग्वेजेस वाल्मीकि एंड मल्हार। तो टू न्यू लैंग्वेजेस डिस्कवर्ड की गई है, ये बोली उड़ीसा साइड जाती थी आंध्र प्रदेश, तो ये डिस्कवर्ड किसने की, तो ये की यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के प्रोफेसर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल टोबैको प्रोडक्ट्स विल हैव नेशनल टोल फ्री नंबर प्रिंटेड ऑन देम फ्रॉम विच मंथ टू असिस्ट यूजर्स टू क्विट द एडिक्शन। जो सितंबर के बाद जो भी टोबैको प्रोडक्ट्स जो बनेंगे उन पे एक टोल फ्री नंबर प्रिंटेड रहेगा, तो जिस बेसिकली इसका यूज इसलिए होगा कि जो भी इस चीज से जो एडिक्टेड है लाइक अगर वो उस पर जो टोल फ्री नंबर है उस पर वो कॉल करेगा तो ड्रग एडिक्शन सेंटर्स का वो टोल फ्री नंबर होगा, तो वो उसकी हेल्प करेंगे इसकी एडिक्शन छुड़काने के लिए, उससे छुड़वाने के लिए। तो ये काफी अच्छी एक चीज है जो एडिक्टेड पर्सन है, बिकॉज काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है उनके लिए इस चीज को छोड़वाना। तो सितंबर के बाद जो भी टोबैको प्रोडक्ट्स बनेंगे उन पर प्रिंटेड रहेगा टोल फ्री नंबर,
तो वो इसकी हेल्प लेके अपनी ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम को हटा सकते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेयर ओपन्ड, एक्चुअली प्लेयर है, विच प्लेयर ओपन्ड इंडियाज मेडल टैली इन 21st कॉमनवेल्थ गेम्स. ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन से प्लेयर ने फर्स्ट मेडल जीता था इंडिया की तरफ से, चाहे वो गोल्ड हो, ब्रॉन्ज हो या सिल्वर हो. तो जो सिल्वर मेडल जीता वो पी गुरु राजा ने जीता था. तो ये फर्स्ट जो मेडल मिला था 2000 मतलब मिल रहा है जो अभी चल ही रहे हाल ही में, तो 21st कॉमनवेल्थ गेम्स में फर्स्ट मेडल पी गुरु राजा ने जीता था, वो सिल्वर मेडल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फादर स्टार डेट हैज वॉज रिसेंटली सीन बाय नासा हबल टेलीस्कोप. तो सबसे जो दूर का जो स्टार जिसको देखा गया है बाय नासा हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा वो था इकारस, इसका नाम इकारस है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू विन गोल्ड मेडल इन 10 मीटर एयर पिस्टल कंपटीशन. तो यंगेस्ट प्लेयर हैं जिन्होंने 16 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जिताया हमारी कंट्री को, तो जिसका नाम है मानू अकार, 16 इयर्स की एज है ओनली इनकी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक इन एसोसिएशन विद दिल्ली मेट्रो कार्ड लॉन्च्ड ड्यूअल पर्पस मेट्रो प्लस डेबिट कार्ड. तो एक किस बैंक ने मेट्रो एसोसिएशन के साथ टाई अप करके ये डेबिट कार्ड मेट्रो प्लस डेबिट कार्ड, बिकॉज एटीएम की तरह आप इसे यूज कर सकते हैं, लाइक डेबिट कार्ड की तरह स्वाइप करके तो आपका मनी ऑटोमेटिकली एटीएम से ही डिटेक्ट होगा. तो आपको लाइन में लगने के लिए, बिकॉज ऑलरेडी मेट्रो के कार्ड से उनको रिचार्ज करवाना पड़ता है वहां पे जाके काउंटर में जाके, बट विद दिस आप बैंक में अपना अमाउंट डिपॉजिट करेंगे देन आप इसको यहां पे भी स्वाइप कर सकते हैं. इन द सेंट बैंक ने इसके साथ टाई अप करके मेट्रो एसोसिएशन के साथ ये न्यू प्रोग्राम लॉन्च किया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पूनम यादव इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट. तो पूनम यादव किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट एंड न्यूली इमर्जिंग नेम. तो ये पूनम यादव वेटलिफ्टिंग से है, ये इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में. तो इन्होंने भी हमारे देश को गोल्ड मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में. तो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो. 9th अप्रैल के मैंने सारे. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल. सो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स ऑफ मे 2018. मैं आपके साथ डेली करेंट अफेयर्स शेयर करते आ रहा हूं डे बाय डे. नाउ दिस इज द फाइनल वीडियो ऑफ मे मंथ, जिसमें मे मंथ के जितने इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स होंगे हम एक ही वीडियो में इंक्लूड करेंगे. एंड इन द एंड एक क्यूज होगा जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपसे पूछूंगा. इसमें 80 प्लस क्वेश्चन होंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे फॉर अवर अपकमिंग एग्जाम. एग्जाम कोई भी हो, लास्ट 6 मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमें करने ही करने पड़ते हैं. एंड इफ यू आर विजिटिंग माई चैनल फर्स्ट टाइम, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड इसे शेयर करें विद एवरी वन. एंड फॉर PDF आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपके साथ लिंक शेयर करूंगा, आप वहां क्लिक करके इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहला क्वेश्चन है Who was chosen for 2017 सरस्वती सम्मान. तो 2017 के सरस्वती सम्मान के लिए किसे चूज किया गया. सो द आंसर इज सितांशु यशा चंद्रा. सेकेंड क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज एमर्ज एज द बेस्ट इन द कंट्री इन द प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV. तो कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा एमर्ज हुई बेस्ट इन प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV. सो द आंसर इज वेस्ट बंगाल. एंड HIV की फुल फॉर्म इम्यूनो वायरस. देन विच स्टेट गवर्नमेंट विल स्टार्ट ए मंथ लॉन्ग इनिशिएटिव फ्रॉम 1 May 2018 टू इंक्रीज वाटर कंजर्वेशन कैपेसिटी. तो कौन सी स्टेट इनिशिएटिव लॉन्च करेगी 1 May से इन्होंने स्टार्ट किया वाटर कंजर्वेशन कैपेसिटी को, लाइक रेन वाटर को स्टोर करना ये सब कुछ. तो ये कौन सी स्टेट स्टार्ट करेगी इनिशिएटिव वाटर को कंजर्व करने के लिए. तो आंसर इज गुजरात. देन एन सिक्की रेड्डी हु हैज बीन रिसेंटली रिकमेंडेड फॉर अर्जुन अवार्ड. तो आपको बताना है कि इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट. तो वो किस स्पोर्ट से रिलेट करते हैं. सो द आंसर इज बैडमिंटन. हु वॉज इलेक्टेड एज द न्यू डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर के न्यू डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नाम बताना आपको जो इलेक्ट हुए रिसेंटली. तो आंसर इज कविंदर गुप्ता. तो इससे पहले जो थे वो थे डॉक्टर निर्मल सिंह, तो नाउ कविंदर गुप्ता.
Then the government of India on 29th April 2018 bought under dash narcotic law regulation. तो एक मेडिसिन है पेन किलर है जिसका नाम ट्रामाडोल है, तो उसमें हाई ड्रग्स क्वांटिटी है, तो उस चीज़ को रिव्यू करने के लिए इसको ट्रामाडोल को नार्कोटिक्स लॉज रेगुलेशन के अंडर लाया ताकि इसे देखा जाए इसकी ड्रग क्वांटिटी ज़्यादा तो नहीं है एंड इसका मिस यूज़ तो नहीं हो रहा है, तो आपको नाम बताना था, द आंसर इज ट्रामाडोल. देन आयुष्मान भारत दिवस सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री ऑन, तो आयुष्मान भारत दिवस कब कौन से डे को सेलिब्रेट किया इज रिलेटेड टू हेल्थ सेक्टर, सो इसको सेलिब्रेट किया गया अक्रॉस द कंट्री ऑन 30 अप्रैल. Then BCCI to honor Diana Idolji with CK Naidu Lifetime Achievement Award. तो ये CK Naidu Lifetime Achievement Award BCCI देता है, तो आपको बताना है कि Diana Idolji is related to which sport, ये वुमेन स्पोर्ट्स से रिलेट करती हैं एंड इज रिलेटेड टू क्रिकेट. Then who was the winner of 2018 Barcelona Open Tennis Title? तो 2018 के इस बारसिलोना ओपन टाइटल टेनिस टाइटल के विनर कौन रहे, तो द आंसर रफाल नडाल. सो ये आगे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 1 मई. सो द 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे. देन गोवर्धन स्कीम हैज बीन लॉन्च फ्रॉम वेयर, तो गोवर्धन स्कीम कहाँ से लॉन्च की गई, इसमें काउडंग एंड अदर सॉलिड वेट्स को यूटिलाइज करके एज ए बायोगैस यूज किया जाएगा, तो करनाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा. वर्ल्ड अस्थमा डे इज ऑब्जर्व ऑन एवरी ईयर ऑन जो फर्स्ट ट्यूजडे ऑफ द मे मंथ का, तो उस डेट को वर्ल्ड अस्थमा डे ऑब्जर्व किया जाता है. देन द मिनिस्ट्री ऑफ विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप, तो ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया, तो ये स्टार्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स. एंड बेसिकली ये इज रिलेटेड टू स्वच्छता भारत, इसमें समर वेकेशन अब चल ही रही हैं, तो इसमें यूथ को इन्वॉल्व किया जाएगा इन स्वच्छता भारत, तो गाँव में वगैरह इनको यूथ को ये लेके जाएंगे, तो इनकी साफ सफाई के रिलेटेड है, तो इसे स्टार्ट किया इन तीनों मिनिस्ट्री ने. Then which country has projected to have fastest growing passenger traffic? मतलब हमारी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री है जहाँ सबसे ज़्यादा पैसेंजर ट्रैफिक है, जो एयर पैसेंजर ट्रैफिक है, तो द आंसर इज वियतनाम. एंड प्रिडिक्शंस हैं 2022 तक हमारी इंडिया भी इसमें मतलब टॉप में आ जाएगी, तो सबसे ज़्यादा एयर यूज मतलब एयर ट्रैफिक जो एयर पैसेंजर सोर्स यूज करती है वो भी हमारी इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा करती है एंड सबसे टॉप पे वियतनाम है एंड मे बी 2022 तक इंडिया भी इस लिस्ट में आ जाए. देन जैनकॉम हु रिसेंटली क्विट फेसबुक इज पॉपुलरली नोन एज अ फाउंडर ऑफ, इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ फेसबुक से क्विट किया, वहाँ कुछ डेटा लीक हुआ था, आई नो ये सबको पता ही होगा, तो बताना कि ये कौन है जो व्हाट्सएप के फाउंडर में, वो भी जैन कॉम है. देन दादा साहेब फाल्के अवार्ड फाउंडेशन फिल्म फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018 हैज बीन गिवन टू, तो फिल्म फाउंडेशन अवार्ड ये किसे दिया गया, दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड, तो ये दिया गया राकेश रोशन जी को. देन वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, तो ये कब किया जाता है ऑब्जर्व, ये किया जाता है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में, तो इसका जो थीम था प्रोजेक्टेड टूगेदर वैक्सीन वर्क, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक. देन हु इज द MD एंड CEO ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक जो न्यूली अपॉइंट हुए, तो इनका नाम है उदय कोटक. विच कंट्री टू होस्ट मल्टी नेशनल काउंटर टेररिज्म एक्साइज पीस मिशन 2018, तो कौन सी कंट्री ये होस्ट करेगी जहां सारी कंट्रीज के आएंगे लीडर्स, तो ये कौन सी कंट्री से होस्ट करेगी जिसका नाम है पीस मिशन 2018 टेररिज्म एक्साइज, तो इसे कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, द आंसर इज रशिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडिया होल्ड विच रैंक इन द रिसेंटली रिलीज्ड एशिया पैसिफिक पावर इंडेक्स, तो पावरफुल नेशंस में अमंग 25 नेशंस थे इसमें, तो इंडिया का कौन सा रैंक आया, तो ये बेसिस किया जाता है, रिव्यू किया जाता है ऑन द इकोनॉमिक सर्वे एंड मिलिट्री पावर डिफेंस सेक्टर को देख के, तो जो पावरफुल कंट्रीज में जो इंडिया का नंबर रहा वो रहा 4th नंबर पे. देन विद व्हाट रैंक डज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होल्ड अमंग द टॉप 10
10 अमंग पावरफुल पीपल्स इन द वर्ल्ड बाय फोर्ब्स। तो फोर्ब्स की लिस्ट के अकॉर्डिंग जो 9th नंबर पे हैं वो हमारे पीएम है, एंड जो फर्स्ट नंबर पे है वो चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग। देन विच नेशंस टी इंडस्ट्री रिपोर्टेड हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन ड्यूरिंग फिजिकल ईयर 2017-18, मतलब कौन सी इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुई, तो हमारे इंडिया में कौन सी इंडस्ट्री में, तो टी सेक्टर की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है। ऐसे तो चाइना सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन है, सबसे ज़्यादा इसकी टी की होती है, बट फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में जो सबसे ज़्यादा टी की प्रोडक्शन हुई हमारी इंडिया में। देन विच इंडियन अमेरिकन प्रोफेसर विच इंडियन अमेरिकन प्रोफेसर रिसीव्ड ए ग्रांट ऑफ $1.6 बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH टू प्रोटेक्ट किडनीज फ्रॉम ओबेसिटी। तो उन्होंने कुछ ऐसे सेल्स की डिस्कवरी की जो हमारी किडनीज को प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम ओबेसिटी। तो इन प्रोफेसर का नाम बताने, इंडियन बॉर्न है, अमेरिकन प्रोफेसर हैं, तो इनका नाम है ताहिर हुसैन। देन विच नेशन कोर्ट हैज रूल्ड लॉ मेकर्स विद ड्यूअल सिटीजनशिप एज इनएलिजिबल टू होल्ड ए पार्लियामेंट्री सीट, मतलब कौन सी कंट्री के नेशन ने एक किसे लॉ बनाया जो जिसके पास ड्यूअल सिटीजनशिप है, जो जिसके पास एक से ज्यादा कंट्री में रहने का मतलब है, अगर उन्हें अथॉरिटी है तो वो वहां के इनएलिजिबल हो जाएगा वहां का पार्लियामेंट्री सीट को होल्ड करने के लिए। तो ये लॉ किस कंट्री के लॉन्च किया, पास किया, तो आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। एज पर लेटेस्ट इकोनॉमिक डाटा बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, व्हाट वाज इंडियाज ग्रोथ रेट फॉर 2018-19 फाइनेंशियल ईयर। तो अकॉर्डिंग टू ADB, तो जो इंडिया का ग्रोथ रेट होगा 18-19 का, तो होगा 7.3%। देन विच वेन डिड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड इट्स 58th रेजिंग डे। तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है 7 मई को, एंड इसकी इनॉग्रेशन हुई थी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की 1960 में। नीति आयोग साइंड स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट विद विच कंपनी टू बिल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इकोसिस्टम, मतलब नीति आयोग ने किसके साथ जुड़ के ये बनाया एक प्लेटफॉर्म जिसके लिए जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम होगा जो स्टडी करेगा इकोसिस्टम को एंड इन्वायरमेंटल चेंजेस को, तो द आंसर इज गूगल। देन विच कंट्री लॉन्च द कम्युनिकेशन सैटेलाइट APSTAR 6 रिसेंटली, तो कौन सी कंट्री ने इसे लॉन्च किया था, तो आंसर इज चाइना, एंड बेसिकली फॉर इंप्रूविंग इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज, टेलीफोन सर्विसेज। देन व्हाट इज द थीम ऑफ 2018 रेड क्रॉस डे, तो आपको बताना है कि इस बारी का थीम क्या था जो रेड क्रॉस डे 2018 में था। तो इस बारी का जो थीम था वो था मेमोरेबल स्माइल्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2018 वर्ल्ड एथलीट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, तो इसे ऑब्जर्व किया जाता है 7 मई को। देन आफ्टर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन विच पेट्रोलियम कंपनी हैज लॉन्च होम डिलीवरी ऑफ डीजल इन मुंबई, तो इससे पहले जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन होम डिलीवरी करती थी डीजल की, नाउ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड भी इसे सप्लाई करेगी, अगर किसी को ऑर्डर करना है तो वो ऑनलाइन भी इसे ऑर्डर कर सकता है। देन द स्वदेशी अकेडमी अनाउंस डैट दिस ईयर इट विल नॉट गिव द नोबेल प्राइज इन विच फील्ड, तो कौन सी स्वदेशी अकेडमी ने अनाउंस किया कि इस बारी कौन सी फील्ड में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाएगा, सो द आंसर इज लिटरेचर। Which government will provide 1 lakh shallow tubewells to the farmers? तो कौन सी गवर्नमेंट ये प्रोवाइड करेगी 1 लाख ट्यूबवेल्स प्रोवाइड करेगी, आसाम गवर्नमेंट। देन विच कंट्री विल होस्ट 15th एशिया मीडिया समिट 2018, तो कौन सी कंट्री इसे होस्ट करेगी, तो द आंसर इज इंडिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द प्राकृतिक खेल कुशाल किसान योजना. तो ये कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है ये स्कीम, तो द आंसर इज हिमाचल प्रदेश. ये प्रोवाइड करेंगे फार्मर्स को मैनुअर्स एंड कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे. तो ये कौन सी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने, द आंसर इज हिमाचल प्रदेश. एंड वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं राजराम ठाकुर. देन विद विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीसीसीआई साइंड एन एग्रीमेंट टू प्रमोट ग्रीन क्रिकेट इन इंडिया. तो किसके साथ बीसीसीआई ने एग्रीमेंट साइन किया, द आंसर इज यूएन गवर्नमेंट. इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट की एनवायरमेंटल चैलेंजेस एंड डेट आर फेसिंग इन द कंट्री एंड हाईलाइट द अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस. देन कौन से प्लेयर वाज नेम्ड एज इमर्जिंग प्लेयर ऑफ 2018 आईपीएल, द आंसर इज ऋषभ पंत. देन विच स्टेट हैज लॉन्च 15 अगस्त एज द डेडलाइन टू फेज आउट प्लास्टिक कैरी बैग्स. तो 2018 अगस्त तक कौन सी स्टेट ने एक डेडलाइन पास की कि प्लास्टिक कैरियर बैग्स को बंद किया जाए, सो द आंसर इज त्रिपुरा. देन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सो द आंसर इज सुधा बाला कृष्णन. देन हु विल सर्व एज द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अंटिल जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड ऑन 25 जुलाई 2018. 2018 जुलाई तक इलेक्शंस होने, तब तक का टेम्प्रेरी जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं हमारे पाकिस्तान के, सो द आंसर इज नासिर उल मलिक. द इलेक्शन कमीशन विल फॉलो द मॉडल ऑफ विच कंट्री टू अलो एलिजिबल पीपल्स टू वोट इफ देयर नेम्स आर नॉट इन द प्रिंटेड रोल. मतलब कौन सी कंट्री का हमारी कंट्री फॉलो करेगी मॉडल, अगर किसी के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, अभी वोटर कार्ड नहीं बना है एंड वो एलिजिबल है तो वो वोट कर पाएगा, तो ये फॉलो करेगी इंडिया न्यूजीलैंड के मॉडल को. देन नेम द कंट्री विच हैज अमेंडेड द लॉ टू गिव लीगल स्टेटस टू एबॉर्शन एंड एंड ऑन बैन, जो उस पर था उसको हटा दिया गया. तो कौन सी कंट्री इसे अप्रूव करेगी, मतलब एबॉर्शन हमारे इंडिया में बैन है, तो ये जो आयरलैंड है वो इसे वहां का एक लीगल राइट बनाएगी. देन रिसेंटली विच कंट्री हैज वॉन उबर कप आफ्टर 37 ईयर्स. तो 37 ईयर्स बाद उबर कप कौन सी कंट्री ने जीता, ये जीता जापान ने. एंड जो कप जीता, एंड जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो, एंड वहाँ जो करेंसी यूज होती है येन. एंड रिसेंटली थॉमस कप जीता है, वो जीता है चाइना ने. देन नरेंद्र मोदी आस्क पीपल टू रेट हिज गवर्नमेंट परफॉर्मेंस ऑन विच ऐप. एक ऐप लॉन्च की नरेंद्र मोदी जी ने, तो आपको बताना है कि कौन सी ऐप है, उस ऐप का नाम क्या है. 4 ईयर पूरे हो गए हैं तो आप वहां पे उस ऐप को डाउनलोड करके रेट कर सकते हो परफॉर्मेंस ऑफ मोदी गवर्नमेंट. सो द आंसर इज नमो ऐप. देन ईपीएफ हैज इंप्लॉयज प्रोविडेंट फंड हैज कट द प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट फॉर 2017-18 टू 5 ईयर्स लो. मतलब जो ईपीएफ करता है, जो गवर्नमेंट इंप्लॉयज एज वेल एज प्राइवेट एम्प्लॉयज का करता है, तो उसका इंटरेस्ट रेट पिछले पाँच साल में सबसे ज़्यादा कम हुआ है. तो राइट नाउ आपको बताना कि कितना इंटरेस्ट रेट है, द आंसर इज 8.55%. देन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू गवर्नर ऑफ उड़ीसा. उड़ीसा के जो न्यू डायरेक्ट अपॉइंट हुए गवर्नर, उनका नाम बताना आपको, उनका नाम है गणेशी लाल. देन जो 2018 का वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होगा 5 जून को, तो आपको बताना है कि कौन सी कंट्री से होस्ट करेगी, ग्लोबल होस्ट बनेगी इसका, तो आंसर इज इंडिया. एंड जो इस बारी का जो थीम होगा वो होगा बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, इफ यू कांट रीयूज इट रिफ्यूज इट. देन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया. जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए, उनका नाम है सी के प्रसाद. विनर ऑफ आईपीएल 2018 अवार्ड ट्रॉफी, सबको पता होगा, CSK एज यूजुअल. द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर रेल टनल कंप्लीटेड ऑन विच रिवर. तो जो फर्स्ट अंडर वाटर रेल टनल जो बनाया गया, जिसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, वो आपको बताना है कि कौन सी रिवर पे आई है. तो ये है हुगली रिवर पे, एंड हुगली रिवर इज द ओनली डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा. देन Who, which ministry presented the prestigious Nari Shakti Puraskar Award 2017 to the members of INSV Tirangini team in New Delhi. एक टीम है जिसका नाम INSV Tirangini है,
एक वुमेंस ऑल वुमेंस टीम है, इन्होंने पूरे वर्ल्ड का सर्वे किया ऑन शेप वाटर, तो उनको ये अवार्ड दिया गया नारी शक्ति पुरस्कार अवार्ड 2017। तो आपको ये बताना है कि ये किस मिनिस्ट्री ने दिया, तो आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड। देन हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 2400 मेगावाट फर्स्ट फेज ऑफ NTPC पतराटू सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन झारखंड। तो इसकी इनॉग्रेशन की फाउंडेशन स्टोन रखा इन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने, यही आपको बताना था कि इन्होंने किसने इनका फाउंडेशन स्टोन रखा था, आंसर इज नरेंद्र मोदी। देन ICCI क्रिकेट कम्युनिटी रिकमेंडेड द यूज ऑफ DRS फॉर ऑल T20 इंटरनेशनल्स, तो डिसीजन रिव्यू सिस्टम, तो इसको रिकमेंड किया गया कि हर T20 इंटरनेशनल में इसे यूज किया जाए, रिकमेंड किया गया। तो आपको यह बताना है कि इसके चेयरमैन कौन है, द आंसर इज अनिल कुंबले। देन विच कंट्री हैज बिकेम द फर्स्ट कंट्री एशियन कंट्री टू रिकोगनाइज सेम सेक्स मैरिज, तो कौन सी कंट्री है जो इसे रिकोगनाइज करेगी, इसे अलो करेगी, द आंसर इज ताइवान। अलो क्या, हमारे इंडिया में भी कर ही सकते हैं अगर कोई करना चाहे तो, कोई नहीं रोकेगा। देन विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंसेस स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर फार्मर्स रिसेंटली, तो तेलंगाना स्टेट ने इंश्योरेंस पॉलिसी, स्पेशल इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसमें 5 लाख तक का कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा फार्मर्स इन केस ऑफ डेथ, तो ये सारे प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी ही पे करेगी, तो ये स्पेशल इंश्योरेंस पॉलिसी है जो एज ग्रुप ऑफ 48 to 60 years का फार्मर है उसके लिए ही है, तो ये स्टार्ट की तेलंगाना स्टेट ने। देन हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो न्यू वाइस चीफ अपॉइंट, उनका नाम देवराज अंबू। देन एंड इन्होंने रिप्लेस किया समर्थ चंद जिनका नाम है, एंड 31st को कल ही वो उनकी रिटायरमेंट डेट है, तो उसके बाद ये न्यू अपॉइंट होंगे। देन फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कौन सी स्टेट में सेटअप की जाएगी, तो ये की जाएगी मणिपुर में। नेम द फर्स्ट कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया टू एलिमिनेट ट्राइकोमा, ट्राइकोमा एक वाटरबॉर्न डिजीज है जो अनहाइजीनिक एंड अनक्लीन वाटर की वजह से होती है, तो कौन सी स्टेट कंट्री है हमारे साउथ ईस्ट एशिया की जिसे ये वहाँ से एरेडिकेट किया गया, मतलब वहाँ से खत्म हो गई है, एलिमिनेट हो गई, द आंसर इज नेपाल, उसकी कैपिटल काठमांडू। देन विच सिटी इज होस्टिंग द एशियन इंडियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2018, तो कौन सी कंट्री इसे होस्ट करेगी, द आंसर इज न्यू दिल्ली। देन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्या किरण 13 विल बी कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, तो कौन कौन सी कंट्री के बिटवीन होगा ये, इंडिया एंड नेपाल के बीच में कंडक्ट की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री वॉन द वुमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2018, तो 2018 की चैंपियंस ट्रॉफी की कौन सी कंट्री विनर रही वुमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, द आंसर इज साउथ कोरिया। देन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज विल लॉन्च द छत्रा परिवहन सुरक्षा योजना टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ गर्ल चाइल्ड, तो गर्ल चाइल्ड की सेफ्टी के लिए कौन सी स्टेट ने यह स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है छत्रा परिवहन सुरक्षा योजना, द आंसर इज हरियाणा गवर्नमेंट। देन हॉकी टीम के न्यू प्रेसिडेंट जो जिन्होंने चार्ज लिया उनका नाम है राजेंद्रा सिंह, एंड जो हॉकी टीम के कोच अपॉइंट हुए उनका नाम है हरिंद्रा सिंह, तो दोनों की राइमिंग है। देन विक्रम ओबरॉन हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो कौन सी कंट्री के न्यू अपॉइंटेड हुए प्राइम मिनिस्टर, द आंसर इज हंगरी। देन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सेक्रेटरी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, तो इसके सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए ब्रॉडकास्टिंग एंड इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री के, द आंसर इज अमित खारे, एंड जो इसके मिनिस्टर से वो राजवर्धन राठौड़। देन इंडियाज लॉन्गेस्ट रोल टनल नेम्ड जोजिला टनल इज बीइंग सेटअप इन विच स्टेट, तो कौन से स्टेट में सेटअप की जाएगी, इसकी इनॉग्रेशन हो गई है, स्टार्ट हो गया इसकी कंस्ट्रक्शन, एंड ये 2036 तक होगा कंप्लीट, एंड अबाउट 14 point something किलोमीटर इसकी लेंथ है, तो ये कहाँ पे स्टार्ट हुई इसकी कंस्ट्रक्शन, द आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर, एंड 19 May को इसकी प्राइम मिनिस्टर आके वहाँ की इसकी इनॉग्रेशन स्टार्ट कर गए। देन विच स्टेट हैज लॉन्च ए फ्री ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टम्स, तो रोड एक्सीडेंट विक्टम्स के लिए फ्री ट्रीटमेंट स्कीम 48 hours तक ₹50,000 की जो एक्सपेंसिस होंगे वो गवर्नमेंट ने पे करेगी, तो जो ये आंसर है इसका, द आंसर इज गुजरात। द फर्स्ट पैरा
एथलीट नेशनल गेम्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड एथलीट्स अंडर खेलो इंडिया स्कीम विल बी टेकन प्लेस इन विच सिटी. तो फर्स्ट जो गेम स्टार्ट की गई कौन सी स्टेट से, इन्हें खेलो इंडिया स्कीम के अकॉर्डिंग इसे लॉन्च किया था नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी को. तो ये कौन सी स्टेट से लॉन्च की गई, द आंसर इज बेंगलुरु. ये मैं बता चुका हूं आपको. फिच हु हैज बिकम द इंडियाज यंगेस्ट वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट फ्रॉम नेपाल साइड. तो जो इंडिया की यंगेस्ट बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया, उनका नाम है शिवांगी पाठक एंड इनकी एज ओनली 16 ईयर्स है. देन हु हैज गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो इसकी पोस्ट का, एडिशनल चेयरमैन की पोस्ट का इसे कौन अपॉइंट हुआ, इनका आंसर है युद्धवीर सिंह मलिक. देन हु हैज बीन गिवन द श्री जयदेव राष्ट्रीय युवा प्रतिभा पुरस्कार अवार्ड 2018. ये अवार्ड किसे दिया गया, द आंसर इज अनिंदिता आनंद. देन अकॉर्डिंग टू स्वच्छ सुरक्षा सर्वे 2018 विच इज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया. तो क्लीनेस्ट सिटी हमारी इंडिया की बनी वो है इंदौर. देन फर्स्ट रेलवे स्टेशन रन बाय पावर सोलर इज सिचुएटेड ऑन विच सिटी. तो हमारा इंडिया का फर्स्ट रेलवे स्टेशन बना जो ऑल रन बाय पावर सोलर एनर्जी से चलेगा, तो वो कौन सी सिटी में है, द आंसर इज गुवाहाटी. देन द फर्स्ट पासपोर्ट सेवा केंद्र रन ऑल बाय वुमेन टीम वॉज स्टार्टेड ऑपरेशन इन. तो ये कौन सी, जो एक पासपोर्ट सेवा केंद्र बनाया जाएगा जहाँ पर सारी वुमेन्स ही होंगी, तो द आंसर इज पंजाब में ये स्टार्ट किया गया. Then who has been selected as India's best city in solid waste management? So the answer is Mangaluru. Then who has been appointed as the brand ambassador of Netmeds? तो Netmeds के जो online pharmacy आप online medicines वगैरह buy कर सकते हो, तो इसके brand ambassador appoint किए गए, इनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी. Then which railway zone has planned to install panic buttons in its railway coaches? तो कौन सी रेलवे जोन इसे प्लान कर रही है इंस्टॉल करने के लिए पैनिक बटन्स टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ वुमेन्स. तो द आंसर इज नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे. देन आपको बताना कि समर्थ एक स्कीम है, जो बताना कि इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. जो समर्थ इज ए स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग अंडर स्किल इंडिया मिशन, एग्जैक्टली ये राइट है, स्किल इंडिया मिशन के अंडर है एंड इसका जो टारगेट है यूथ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना इन टेक्सटाइल सेक्टर. तो फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड ऐसा कुछ नहीं है कि 20 लाख पीपल को ट्रेन करना, जो फर्स्ट स्टेटमेंट्स है तो स्किल इंडिया मिशन के अंडर आती है एंड यूथ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना इन टेक्सटाइल सेक्टर. देन 2018 रणदीक अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन जर्नलिज्म में अवार्ड दिया जाता है रणदीक अवार्ड. तो आपको बताना है कि इस बार किसे दिया गया, द आंसर इज मार्क टली. देन विच नेशन वुड बी गेटिंग एन ग्रांट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ रोहिंग्याज. तो रोहिंग्याज की बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कौन कंपेंसेशन प्रोवाइड करेगी, रोहिंग्याज बेसिकली फ्रॉम म्यांमार जो बांग्लादेश में सेटल्ड है, वहाँ के जितने भी रोहिंग्याज हैं उनको कंपेंसेशन प्रोवाइड करेगी फॉर डेली नीड्स. तो आंसर है बेसिक नीड्स, तो ये कौन प्रोवाइड करेगी, वर्ल्ड बैंक एंड ये कौन सी कंट्री में जो रोहिंग्या सेटल्ड हुए हैं, द आंसर इज बांग्लादेश में, जो वहाँ के बांग्लादेश में जो रोहिंग्याज उनको ये प्रोवाइड करेगी. Then who has been appointed as a Minister of Information and Broadcasting? तो इसके अपॉइंट जो है मिनिस्टर है, तो आंसर इज राज्यवर्धन राठौड़. Then who is the winner of Women's 10 meter air pistol at the International Shooting Competition 2018 in Germany? तो इसकी 10 meter pistol shooting में जो winner रही उनका नाम है हीना संधू, जो जर्मनी में हो रहे थे. Then who has been appointed as the new Director General of Assam Rifles? Assam Rifles के जो Director appoint हुए new, the answer is Sukhdev Sangwan. Between two places, which two places India and Nepal started direct bus service? तो direct bus service जो start हुई कौन कौन सी दो places के between हुई, the answer is Jalakpur and Ayodhya. जैन रिसेंटली पाकिस्तान के एक लीजेंड प्लेयर थे जिनकी डेथ हुई कराची में, तो उनका नाम बताना आपको, उनका नाम है मंसूर अहमद, ये हॉकी प्लेयर थे. तो 1994 में जो वर्ल्ड कप जीता था पाकिस्तान ने, इन्होंने वहाँ बहुत अच्छा रोल, बड़ा रोल प्ले किया था. देन कौन सी बॉलीवुड पर्सनैलिटी को स्वरा मोला मोली अवार्ड दिया जाएगा, तो द आंसर इज लता मंगेशकर.
देन जनरल बिपिन रावत जी ने एक बुक रिलीज की जिसका नाम है अक्रॉस द बेंच इनसाइट इनटू इंडियन मिलिट्री ज्यूडिशियल सिस्टम। तो ये आपको बताना है कि ये बुक किसने रिटर्न की थी, मतलब इसके ऑथर कौन है। तो आंसर इज लेफ्टिनेंट जनरल ज्ञान भूषण। देन इन विच कंट्री पीएम नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अरुण थर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो कौन सी कंट्री में इन्होंने इसकी इनॉग्रेशन की फाउंडेशन स्टोन रखा, आंसर इज नेपाल। देन विद विच कंट्री इंडिया हैज रिसेंटली साइंड एग्रीमेंट इन फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया इन फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, द आंसर इज पेरू। ये बता चुका हूँ सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमारी टी इंडस्ट्री की हुई इन इंडिया में 2017-18 में। देन नर्सिस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसे किया जाता है 12 मई को। एंड जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए न्यू इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया, इनका नाम है महाथिर बिन मोहम्मद। देन वुमेन कन्फर्ड विद एक्सलेंट वुमेन ऑफ एक्सलेंस अवार्ड किसे दिया गया एट वुमेन इकोनॉमिक फोरम 2018, तो ये अवार्ड दिया गया निशा बल्ला को। देन वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के कुछ शेयर्स खरीद दिए, अबाउट 77% ऑफ शेयर। आपको बताना है कि कितने परसेंट ऑफ स्टेक्स खरीद लिए, शेयर्स खरीदे थे, तो आंसर इज 77%। देन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नॉमिनेटेड एज द ग्रीन एम्बेसडर ऑफ सिक्किम। तो जो नॉमिनेट हुए ग्रीन एम्बेसडर ऑफ सिक्किम फॉर एक्सप्लोरिंग बायोडाइवर्सिटी ऑफ सिक्किम, सो द आंसर इज मोहित चौहान जो सिंगर हैं। देन बोगीबिल ब्रिज इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड कम रेल ब्रिज इज ऑन विच रिवर। देख कौन सी रिवर पे है, ये है हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर में कनेक्टिंग डिब्रूगढ़ टू देहा माझी। देन कौन सी स्टेट प्रोवाइड करेगी फ्री इंटरनेट टू 20 लाख पुअर फैमिलीज, द आंसर इज केरला। सो एक और क्वेश्चन, हु इज द सीईओ ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो अभी इस टाइम जो प्रेजेंट सीईओ है इनका नाम है पवन कुमार अग्रवाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बना क्योंकि इनका 3 मंथ्स का इनको एक्सटेंशन मिला एज ए सीईओ, इनकी रिटायरमेंट एज थी, इनको 3 मंथ्स का एक्सटेंशन मिला। तो इस टाइम जो प्रेजेंट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो सीईओ हैं वो हैं पवन कुमार अग्रवाल। सो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए, अबाउट 80+ लिए। नाउ मैं आपके साथ एक क्यूज टाइप शेयर करूंगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस लूंगा, देन आप उन्हें आंसर करना, देन यू विल सी कि आपको कितना रिवाइज हुआ है एंड कितना आपको याद है। नाउ सम क्यूज क्वेश्चंस ऑन क्यूज, ये कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा, 15 क्वेश्चंस हैं, तो देन यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। अगर आपने बाकी वीडियोस देखे हैं देन श्योरली यू कैन आंसर दिस क्वेश्चंस। जो फर्स्ट क्वेश्चन है मई मंथ के क्यूज का, तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो आपको इनका नाम बताना है, मैं आपके साथ इसके ऑप्शंस नहीं शेयर कर रहा, बट स्टिल आप इसका आंसर कर सकते हो बिकॉज मैंने आपके साथ काफ़ी टाइम वाली इसका आंसर शेयर किया हुआ है। सो होप सो अभी तक आपको आंसर पता चल गया होगा, तो पता चल गया वेल एंड गुड, अगर नहीं पता चला तो आंसर इज राजवर्धन राठौड़। देन सेकेंड क्वेश्चन इज विच बॉलीवुड पर्सनैलिटी हैज़ बीन ऑनर्ड विद स्वरामुली अवार्ड। तो ये अवार्ड किसे दिया गया स्वरामुली अवार्ड, द आंसर इज लता मंगेशकर। देन फर्स्ट पासपोर्ट सेवा केंद्र रन एन ऑल वुमेन टीम हैज स्टार्टेड ऑपरेशंस इन। तो ये कहाँ पे बनाया गया जिसकी ऑल वुमेन सेवा केंद्र होगा, पासपोर्ट सेवा केंद्र, तो आपको बताना है कौन से स्टेट में इसकी स्टार्ट हुआ ये। आई होप आपको पता चल गया होगा, नहीं पता चला तो आंसर इज पंजाब। देन अकॉर्डिंग टू स्वच्छ सुरक्षा सर्वे 2018 विच इज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। तो सबसे क्लीनेस्ट सिटी बनी अकॉर्डिंग स्वच्छ सुरक्षा सर्वे 2018 के अकॉर्डिंग, तो आई थिंक ये तो आप आंसर किया ही होगा, द आंसर इज इंदौर। देन हु हैज बिकम द इंडियाज यंगेस्ट वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट फ्रॉम नेपाल साइड। आपको नाम बताना है कि इनकी एज ओनली 16 ईयर्स की है, तो जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया जो नेपाल साइड से। सो इस क्वेश्चन का आंसर है शिवांगी पाठक एंड शी इज ओनली 16 ईयर्स एज। देन विच स्टेट हैज लॉन्च्ड फ्री ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स।
कौन सी स्टेट ने ये स्कीम लॉन्च की ट्रीटमेंट फॉर फ्री रोड ट्रीटमेंट फॉर एक्सीडेंट विक्टिम्स? द आंसर इज गुजरात. देन द डेडली निपा वायरस हैज बीन डिटेक्टेड इन विच इंडियन स्टेट? तो ये वायरस है जो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, तो आपको ये बताना है कि ये कौन सी स्टेट में फर्स्टली ऑब्जर्व डिटेक्ट किया गया था एंड कि काफ़ी लोगों की इस वजह से डेथ भी हो गई है. द आंसर इज केरला. देन हु वॉज चूजन फॉर 2017 सरस्वती सम्मान अवार्ड? 2017 के सरस्वती सम्मान अवार्ड के लिए किसे चूज किया गया? द आंसर इज सितांशु यशा चंद्रा. देन विच रेलवे जोन हैज प्लान टू इंस्टॉल पैनिक बटन इन इट्स रेलवे कोचेज? द आंसर इज नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज. द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर रेल टनल कंप्लीटेड ऑन विच रिवर? रिवर. तो इंडिया का जो फर्स्ट अंडर वाटर रेल टनल जिसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, एंड ये आपको बताना है कि कहाँ से इसकी, ये कौन सी रिवर पे आई है. ये वेस्ट बंगाल में है एंड जो रिवर का नाम है वो है हुगली, जो है गंगा की ओनली वन डिस्ट्रीब्यूटरी. देन इंडिया फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी विल बी सेटअप इन विच स्टेट? इंडिया की जो फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी होगी वो कौन से स्टेट में सेटअप की जाएगी? द आंसर इज मणिपुर. 12th क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड विद नारी शक्ति पुरस्कार अवार्ड 2017? तो ये एक टीम को अवार्ड दिया गया जिस टीम का नाम है, आई होप यू कैन आंसर. तो इस टीम का नाम INSV तिरंगिनी. तो एक पूरी टीम है, वुमेन, ऑल वुमेन टीम है जिन्होंने वर्ल्ड वाटर सर्वे किया पूरे शिप में वर्ल्ड का इन वाटर. तो द आंसर इज INSV तिरंगिनी. रिसेंटली चाइना लॉन्च QA रिले सेटेलाइट टू स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग? विच ऑफ द फॉलोइंग तो नहीं है, आपको बताना है कि QA रिले सेटेलाइट को लॉन्च किया चाइना ने, तो आपको ये बताना है कि वो क्या स्टडी करेगा. ऑप्शंस आपके सामने अगर होते तो अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, तो जो इसका आंसर है वो है मून. तो मैंने ऑप्शंस में मून भी बोला ही नहीं, तो मून को स्टडी करेगा वो, उसका फार साइड ऑफ द मून एक अर्थ फेसिंग साइड है, जो बिहाइंड फेसिंग साइड है, जो मतलब फार साइड है, उसको स्टडी करेगी ये सैटेलाइट. तो ये से स्टार्ट किया, लॉन्च किया चाइना ने. देन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च माई MP रोजगार पोर्टल? एक रोजगार पोर्टल लॉन्च किया, कौन सी गवर्नमेंट ने किया, कौन सी स्टेट की, टू जॉब प्रोवाइड करने के लिए टू द पर्सन हु आर डिजर्विंग, मतलब जो एजुकेटेड स्टूडेंट्स हैं उनकी जॉब्स अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन. तो ये पोर्टल लॉन्च किया, तो ये कौन सी स्टेट ने किया? ये किया मध्य प्रदेश ने. देन विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर स्टेशन? ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन होगा, ये वाटर पे होगा, एक शिप पे होगा, तो आपको ये बताना है कि कौन सी कंट्री ने इसे लॉन्च किया. तो द आंसर इज रशिया. सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चंस पहले मैंने आपके साथ शेयर किए, देन इसके बाद क्यूज. होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, एंड बाकी मंथ्स के मैं आपके साथ डेली ऐसे ही शेयर करूंगा. पहले मैं आपके साथ करंट डे के, हर डे के, देन एट द एंड ऑफ द मंथ आपके साथ पूरे फुल मंथ के करंट अफेयर्स, जिससे आपका एक ही वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे. होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियोज. नासा लॉन्च विथ सेटेलाइट फॉर न्यू प्लैनेट हंटिंग? तो नासा ने एक सैटेलाइट लॉन्च की रिसेंटली, तो ये आपको बताना है कि ये कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की. ये सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट का नाम है टेस. टेस की फुल फॉर्म है ट्रांजिस्टिंग एक्सोप्लैनेट सैटेलाइट सर्वे. इसमें होगा कि मैं साथ साथ कुछ एक्सप्लेन भी कर पा रहा हूँ, करता हूँ आपके साथ. एक्सोप्लैनेट ट्रांजिस्टिंग एक्सोप्लैनेट सैटेलाइट सर्वे. एक्सोप्लैनेट डेट मीन ये सैटेलाइट, ये प्लैनेट्स को सर्च करेंगे सोलर सिस्टम में, बट आउटसाइड द सोलर सिस्टम के बाहर जितने छोटे मोटे प्लैनेट्स होंगे उनको ये सर्च करेंगे. तो ये सैटेलाइट लॉन्च की नासा ने, नासा स्पेस एजेंसी है USA की, एंड इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है वो है ISRO. सेकेंड क्वेश्चन इज
विच स्टेट लॉन्च मिल्क मिशन एंड इट्स फर्स्ट बुल फेयर? कौन सी स्टेट ने एक मिल्क मिशन लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया मेघालय ने. एंड क्यों लॉन्च किया? ये वहाँ की मिल्क प्रोटेक्शन बढ़ाने के लिए. एंड वहाँ की जो कैपिटल है राइट ना, कैपिटल है वो है शिलोंग. थर्ड क्वेश्चन इज विच स्टेट ओपन फर्स्ट नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन? नेशनल स्किल इंस्टीट्यूट ओपन हुआ फॉर वुमेन्स. तो आपको ये बताना है कि ये क्वेश्चन बेसिकली आज के ही हैं एंड ये हम बैक जाएंगे तो सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते जाएंगे. ये कौन सी स्टेट ने ओपन किया नेशनल स्किल स्पेशली फॉर वुमेन्स? तो ये स्टार्ट किया पंजाब ने एंड पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ एंड वहाँ के जो सीएम है वो हैं अरमिंदर सिंह. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ वॉन टूर दी फ्रांस? देखो टूर दी फ्रांस एक साइकिल रेस है, सबसे बड़ी साइकिल रेस होती है. अराउंड 3 वीक्स तक ये साइकिल रेस चली एंड फ्रांस में होती है. फ्रांस की जो कैपिटल है वहाँ वो है पेरिस एंड वहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो. एंड ये किसने जीती? ये जीती गैरियंट थॉमस ने. ये टूर दी फ्रांस का टाइटल इन्होंने जीता. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ बीन अवॉर्डेड बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक इन CLSS? तो ये अवार्ड किसे दिया गया? तो ये अवार्ड दिया गया HDFC बैंक को. इसमें इन्होंने किया क्या कि जो प्रधानमंत्री की आवास योजना थी, आवास योजना में वो सब्सिडी प्रोवाइड करते थे, लोन्स प्रोवाइड करते थे टू द फाइनेंशियली पुअर पीपल्स. पुअर पीपल्स हैं उनको सब्सिडी प्रोवाइड करते थे, फाइनेंशियली हेल्प करते थे. तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हेल्प की किस बैंक ने की, वो की HDFC बैंक ने. एंड CLSS हो गया क्रेडिट लिंक्ड सिस्टम सब्सिडी स्कीम. तो ये हो गया क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, ये इसकी फुल फॉर्म आ गई. तो आपको ये बस ये पता होना चाहिए कि HDFC बैंक को ये अवार्ड दिया एंड ये खुद प्राइम मिनिस्टर ने दिया नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली हेल्प की इन प्रोवाइडिंग लोन्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ बीन अवार्डेड विद मार्केटर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया? तो सबसे ज़्यादा 100 यूनिट्स हैं इस बारी इसके एंड ये कौन सी कंपनी है? ये है अमूल. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 29 जुलाई के, ये साथ साथ रिपीट होते रहेंगे. इंटरनेशनल टाइगर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल टाइगर डे हम सेलिब्रेट करते हैं 29 जुलाई को. नेक्स्ट है विच इंडियन मेट्रो हैज़ बिकेम द वर्ल्ड फर्स्ट कम्प्लीटली ग्रीन मेट्रो सिस्टम? तो कौन सी मेट्रो को कम्प्लीटली ग्रीन मेट्रो सिस्टम बना दिया गया कि बन गई ये हमारी? तो ये है, ये जो हमारी मेट्रो बनी, ये बनी हमारी दिल्ली मेट्रो. एंड एक क्वेश्चन मैं आपको साथ में बताता हूँ, एक मेट्रो मैन ऑफ द इंडिया जिनको हम जानते हैं, ई श्रीधर नाम है उनका. तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मेट्रो मैन ऑफ इंडिया हम किसे कहते हैं? तो ई श्रीधरन वो दिल्ली के, उनको हम मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट प्रणाम स्कीम? तो प्रणाम स्कीम कौन सी स्टेट ने इम्प्लीमेंट की? ये की असम ने एंड इसकी फुल फॉर्म है पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग. इसमें होगा क्या कि जो पेरेंट्स बच्चे अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं उनके लिए है ये बेसिकली. जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो अगर वो ऐसा कुछ करता है तो उनकी सैलरी का 10% जितना भी होगा वो उनके पेरेंट्स को चले जाएगा अगर ऐसा वो कुछ करता है. तो ये स्कीम लॉन्च की असम ने एंड असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एलिमिनेट वायरल हेपेटाइटिस बाय विच ईयर? तो कौन सी ईयर तक इन्होंने इसे एलिमिनेट करने का मतलब डिसाइड किया? तो ये रहा इसका आंसर है 2030 एंड हेपेटाइटिस डे हम सेलिब्रेट करते हैं 28 जुलाई. हु हैज़ वॉन रशियन ओपन बैडमिंटन? तो ये अवार्ड किसने जीता? ये इंडिया के हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट इंडिया के प्लेयर बने जिन्होंने ये जीता. तो ये जीता सौरभ वर्मा ने एंड रशिया की जो कैपिटल है वो है मॉस्को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट फ्लैगशिप हेल्थ स्कीम कंपेनियन प्रोग्राम? तो ये एक प्रोग्राम है, ये लॉन्च किया कौन सी स्टेट ने आपको ये बताना है. इसमें होगा क्या कि बेसिकली ये ट्रेन करेंगे मतलब अब पेशेंट्स को कैसे केयर, स्पेशली ये बेबीज के लिए है जो बॉर्न होते हैं उनकी केयर टेक कैसे की जाए वो थोड़ी सी ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे. तो ये स्टार्ट किया, ये एक स्टेट गवर्नमेंट CCP स्कीम है. तो ये स्टार्ट की पंजाब स्टेट ने एंड वहाँ की कैपिटल चंडीगढ़ एंड CM अरमिंदर सिंह. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइस प्रेसिडेंट विनायक नायडू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चांसलर ऑफ विच यूनिवर्सिटी? तो कौन सी यूनिवर्सिटी के उन्हें वाइस चांसलर अपॉइंट किया गया? तो ये किया गया पौंडीचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड 81 प्रोजेक्ट फॉर विच स्टेट, तो कौन सी स्टेट के लिए इन्होंने 81 न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, एंड 81 प्रोजेक्ट्स होंगे लाइक अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं लाइक रोड ट्रांसपोर्ट के हो गए, उसमें बिजनेसेस के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, ये ओवरऑल होगा ये सारे प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुए, तो ये कौन सी स्टेट के लिए हुए, ये हुए 81 प्रोजेक्ट्स अराउंड 60,000 करोड़ की इतना फंड्स वगैरह प्रोवाइड करेंगी, तो ये हुआ कहाँ के लिए, यूपी के लिए, एंड यूपी की कैपिटल लखनऊ, एंड वहाँ के सीएम हैं वो हैं वहाँ के सीएम आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट विल सून ओपन इट्स फर्स्ट काओ सेंचुरी, काओ सेंचुरी बर्ड सेंचुरी है, एनिमल सेंचुरी है, वैसे तो काओ भी एनिमल ही है बट बर्ड, अब ये काओ सेंचुरी भी खुलेगी, ये काओ सेंचुरी कौन सी स्टेट में खुलेगी, तो ये खुलेगी हमारी राजस्थान, एंड वहाँ की कैपिटल सबको पता हुआ जयपुर, एंड वहाँ की जो सीएम है वो है वसुंधरा राजे, एंड राजस्थान स्टेट वाइज हमारे इंडिया का सबसे बड़ा है, सेकेंड मध्य प्रदेश, थर्ड महाराष्ट्र, एंड फोर्थ वन इज यूपी। ये कुछ क्वेश्चंस आगे भी आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन टू गिव फ्लैश फ्लड वार्निंग इन साउथ एशिया रीजन्स, तो कौन सी कंट्री को ये सिलेक्ट किया गया, बिकॉज इसमें होगा क्या कि जो फ्लैश फ्लड्स फ्लड ही होता है वो भी एक टाइप का, तो ये सारी कंट्रीज जो बाकी कंट्रीज हैं वो समुद्र के काफ़ी किनारे में हैं, तो इंडिया को इन्होंने WMO ने सिलेक्ट किया कि आप लोगों को वार्निंग देंगे इन कंट्रीज़ को, तो वार्निंग देंगे ताकि आप अगर वो कहीं फ्लड आने वाला होगा सिक्स आवर पहले ये इंटीमेट कर देंगे कि आपकी कंट्री में फ्लड आने वाला है तो आप अलर्ट हो जाओ, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी इंडिया ने, एंड ये बाकी पांच होंगी उसमें पूरी कंट्रीज, तो पांच पूरी कंट्रीज होंगी, तो ये पाँच बनाने एक्चुअली माउस वर्क नहीं कर रहा, तो इसलिए ये कीपैड से कर रहा हूँ, ये पांच कंट्रीज होंगी, इसका आंसर है इंडिया, एंड ये सारी कंट्रीज हैं थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, वियतनाम, ये सारी कंट्रीज हैं हमारे समुद्र के काफ़ी किनारे में, तो इनको ये इंडिया को ये सेलेक्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब सेलिब्रेट करते हैं 28 जुलाई को, तो हीपैट हो गया लीवर, एटिस हो गया इन्फ्लेमेशन, तो मतलब लीवर का सूज जाना उसको बोलते हैं हीपैट लीवर हेपेटाइटिस डे हम सेलिब्रेट करते हैं 28 जुलाई को, एंड 2030 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की डिसाइड किया कि हम हेपेटाइटिस को पूरी तरह एलिमिनेट भी कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड विच स्कीम टू एम्पावर रूरल वुमेन थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, तो एक स्कीम लॉन्च की गई रूरल वुमेन्स के लिए कि जैसे आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं वैसी टाइप की प्रोग्राम होगा, इसमें सारी महिलाएं इकट्ठी होंगी, उन्हें अवेयर किया जाएगा, कॉलेज स्टूडेंट यूथ उन्हें अवेयर करेगा अबाउट न्यू स्कीम्स पॉलिसीज जो गवर्नमेंट लाएगी उन सबको, ताकि जो स्कीम्स आती हैं उन सबका बेनिफिट उठा पाए, तो ये स्कीम का नाम क्या, महिला शक्ति केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द प्रोजेक्ट गांधी प्रोजेक्ट, कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया, तो ये हुआ जी हमारा आंध्र प्रदेश में, तो बेसिकली रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, तो इसमें यही है कि ये गांधी, ये जिसने रामायण महाभारत देखी अर्जुन के धनुष का नाम था ये गांधी, तो ये स्टार्ट कहाँ किया, किसने किया, ये किया आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द म्यूजियम ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया विल बी कंस्ट्रक्टेड इन विच सिटी, तो कौन सी सिटी में एक म्यूजियम बनाया जाएगा जिसमें सारी चीज़ें अबाउट ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट अवर जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स रहे उनकी होंगी, तो ये होगा हमारा न्यू दिल्ली अवर कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद विच कंट्री इंडिया कोस्ट गार्ड कंडक्टेड ए बायलेटरल टेबल टॉप एक्सरसाइज ऑन मैरिटाइम पोल्यूशन रिस्पॉन्स, तो ये बेसिकली मैं आपको अब थोड़ी फास्ट भी करता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो ये वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इंडिया एक बायलेटरल टेबल टॉप एक्सरसाइज एक मीटिंग हुई, तो ये कौन सी कंट्री के साथ हुई, ये हुई हमारी बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, वहाँ के जो पीएम है शेख हसीन, एंड वहाँ की जो कैपिटल है वो है कैपिटल ढाका, वहाँ की करेंसी टाका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अब हिंदी में भी आ जाएगा थोड़ा, विच एंड बॉलीवुड एक्ट्रेस हैज़ बीन कन्फर्ड विद डिलिट अवार्ड, ये डिलिट ये अवार्ड दिया गया कौन सी एक्ट्रेस को आपको बताना है, तो ये दिया गया, ये बेसिकली एक डिग्री होती है, तो ये दिया जाता है अगर कोई अचीवमेंट करता है इन आर्ट एंड कल्चर, तो ये डिग्री एक अवार्ड दिया जाता है, ये दिया जाता है
डॉक्टर ऑफ लेटर्स आप इसकी ये डिलीट की मतलब होता है डॉक्टर ऑफ लेटर्स, तो ये दिया जाता है हमारा, दिया गया इस बारी शर्मिला टाइगर को। नेक्स्ट है विच एयरपोर्ट गॉट यूएन एनवायरनमेंट अवार्ड चैंपियन ऑफ अर्थ, तो ये चैंपियन ऑफ अर्थ बाय यूएन ने ये अवार्ड दिया, यूएन एनवायरनमेंट एसोसिएशन जो भी थी वहाँ की, तो ये अवार्ड कौन से हमारे एयरपोर्ट को मिला, ये मिला कोची एयरपोर्ट को। मिला क्यों, बिकॉज वहाँ का जो एयरपोर्ट है वो पूरा सोलर एनर्जी पे चल रहा है, तो वहाँ का एनवायरनमेंट भी अच्छा है, एंड इसलिए ये अवार्ड सारा किस ये अवार्ड किसे मिला, ये मिला कोची एयरपोर्ट को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से दो टेलीकॉम मर्ज हो गए एक बन गए, तो ये बन गए हमारे वोडाफोन एंड आईडिया। अब थोड़े से जल्दी करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। देन कौन सा एक बिल लॉन्च किया गया मतलब पास हुआ लोकसभा फॉर सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन, तो ये हुआ ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स बिल, ये न्यू बिल अमेंड हुआ तो पास हुआ ही बाय लोकसभा, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स बिल, ठीक है। देन मिशन सत्यनिष्ठा कौन सी डिपार्टमेंट ने ये किया लॉन्च किया, तो ये किया जी हमारी इंडियन रेलवे ने टू करप्शन को रोकने के लिए, एंड रेलवे मिनिस्टर जो इस टाइम में हुए पीयूष गोयल। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हमारे इंडिया को रेलवे ही प्रोवाइड करता है, एंड ऑल ओवर वर्ल्ड चौथे नंबर में हमारा रेलवे है। देन अटल इनोवेशन मिशन एंड माई गवर्नमेंट ने मिलकर एक रिसेंटली एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें इनोवेट इंडिया जिसका नाम है, इसमें होगा क्या कि आप अपना कोई भी इनोवेशन अपलोड कर सकते हो, जैसे आप यूट्यूब पे करते हो ना, जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता हूँ आप भी वैसे कर सकते हो इस पे, अगर आपके पास कोई इनोवेटिव चीज़ है तो उसे बाकी लोग देखेंगे अप्रिशिएट करेंगे अच्छा होगा तो उसे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। देन ग्रीन महानदी मिशन कौन सी जगह स्टार्ट हुआ, कौन सी स्टेट में हुआ, ये हुआ उड़ीसा में, एंड क्यों हुआ ये होगा क्या, इसमें सारे नदी के किनारे किनारे महानदी नदी के किनारे किनारे पेड़ लगाए जाएंगे, 2 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। देन कौन से प्लैनेट पे एक लिक्विड वाटर मिला, वहाँ पे पानी तो था वो बट आइस फॉर्म में था, तो अब यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में भी मिला कौन से प्लैनेट पे, तो ये मिला मार्स में जिसे हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। देन प्लेयर ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसे मिला गया दिया गया, ये दिया गया इंग्लैंड में मिला ये अवार्ड, इंग्लैंड की कोई एसोसिएशन है वहाँ का, तो बेस्ट इन्होंने ये अवार्ड दिया रिसेंटली इंटरनेशनल बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, तो ये मिला हमारे अपने कैप्टन विराट कोहली। देन इंडिया ऑल वुमेन होटल कौन सी स्टेट में खोला जाएगा, तो ये खोला जाएगा जहाँ सारी महिलाएं होंगी, तो ये खोला जाएगा हमारा केरल में। देन विच With whom did the investor compromise to increase investment? मतलब बाहर की कंपनियां हमारे कंट्री में आके इन्वेस्ट करेंगी, तो ये समझौता किसके साथ हुआ, भारत का इन्वेस्ट इंडिया का, तो ये हुआ जी हमारा बिजनेस फ्रांस के साथ, जैसे इंडिया का इन्वेस्ट इंडिया वहाँ का बिजनेस फ्रांस है, तो बिजनेस फ्रांस फ्रांस के लोग यहाँ कोई एसोसिएशन होगा उनका, तो जो भी उनका यूनिट है हमारे इंडिया में आके इन्वेस्ट करेगा, ये उनके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ। देन कौन सी स्टेट के साथ एक सोलर स्कीम जिन्होंने एक ये लॉन्च की टू इंक्रीज फार्मर्स इनकम, तो ये कौन सी स्टेट ने ये लॉन्च की, ये की न्यू दिल्ली में, वहाँ के होगा क्या कि जो फार्मर्स की कुछ ज़मीन ली जाएगी तो वहाँ पे सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, तो उनको साल का 1,00,000 रुपया इनकम भी मिलेगी, रेंट भी मिलेगा, एंड इलेक्ट्रिसिटी भी उनको फ्री मिलेगी, सस्ती मिलेगी, 9,000 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी के फ्री मिलेंगे, तो इससे ओवरऑल होगा क्या कि फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी। एंड ये कौन सी स्टेट में हुआ, ये न्यू दिल्ली, एंड न्यू दिल्ली के कैपिटल हमारे सीएम हमारे अपने अरविंद केजरीवाल। देन विच स्टेट असेंबली हैज़ पास्ड ए यूनिमनस रिजोल्यूशन टू चेंज स्टेट नेम, कौन सी स्टेट है जो अपना नाम चेंज करना चाहती है, तो वो है स्टेट हमारी वेस्ट बंगाल जो अपना नाम चेंज करके बंगाल से बांग्ला करना चाहती है। देन गांधी हेरिटेज सेंटर विल बी बिल्ट इन विच स्टेट, युगांडा में गए थे हमारे पीएम, तो वहाँ पे उनका ये बनाया जाएगा पूरा गांधी जी का, गांधी जी ने अपनी जो हमारी जंग हुई थी आज़ादी की, तो कहीं ना कहीं उन्होंने साउथ अफ्रीका से स्टार्ट भी की थी, तो साउथ अफ्रीका से स्टार्ट भी की थी, उगांडा एक वहीं का पार्ट है, तो इसलिए वहाँ एक बनाया जाएगा हेरिटेज, एंड उगांडा की जो कैपिटल है वो है कंफाला, एंड वहाँ की जो कैपिटल है वो है उगांडा शैली, ठीक है। देन ये आ गया जाता है, देन ये आ गया, यही आपको बताना है कि एग्रीमेंट साइन हुआ उगांडा में, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उगांडा में कितने एग्रीमेंट साइन किए थे, एग्रीमेंट वहाँ हुए थे 4, तो ये सब हुए थे डिफेंस वगैरह इन सब पे, एंड वो आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं, 4 हुए थे बस बेसिकली, इसमें इसकी कैपिटल कंफाल हुआ उगांडा शैलिंग वहाँ की करेंसी, एंड प्रेजिडेंट वहाँ के युवेरी मुसवेरी।
देन विच रिसेंटली स्टेट रिसेंटली मतलब कौन सी स्टेट ने ये चाइल्ड लाइन 11098 स्टार्ट किया है? तो ये किया गया किसने, ये किया गया डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ये हेल्पलाइन लॉन्च की, तो ताकि अगर कुछ भी ऐसे इवेंट्स हैपनिंग हो गए तो इस नंबर पे आप वगैरह करके कर सकते हो. देन वेयर इज द सेकेंड मीटिंग ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ न्यूट्रिशन चैलेंजेस ऑफ रिसेंट इंडिया. सेकेंड ये न्यूट्रिशनल मीटिंग हुई, तो जो विकलांग बच्चे होते हैं उन सबके लिए ये, तो ये मीटिंग कहाँ पे हुई, ये हुई न्यू दिल्ली में. देन इन विच प्लेस विल द इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट इन पिच ब्लैक प्रैक्टिस रिसेंटली. तो ये कौन सी कंट्री में, ये कौन सी कंट्री के साथ ये इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करेगी, ये करेगी हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ. देन वेयर डिड 10th ब्रिक्स सुमिट बिगेन रिसेंटली, तो ये कौन सी जगह हुई, तो ये हुई जोहान्सबर्ग में. देन हु रोट द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑन महात्मा गांधी लाइफ रिसेंटली, तो ये इनकी लाइफ पे एक बुक लिखी गई, ये लिखी गई रामचंद्र गुहा ने ये बुक लिखी. देन ये भी आप बताई दो कौन से प्लेयर को अवार्ड मिला फुटबॉल फेडरेशन ऑफ द आवर अवार्ड, ये मिला सुनील छेत्री को, एंड ये वुमेन्स में मिला, एंड वुमेन ऑफ द जो अवार्ड मिला वुमेन कैटेगरी में वो मिला कमला देवी को. एंड राज्यसभा के लिए एक ऐप लॉन्च की गई, उस ऐप का नाम को बताना है सिक्योर ए नोटिस. इसमें होगा कि राज्यसभा के मेंबर्स अगर किसी को नोटिस भेजना होगा तो वो उस ऐप की हेल्प से भेज पाएंगे. देन व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स, तो इंडिया का रैंक है क्या, इंडिया का रैंक है 11th. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हमारे इंडिया में कितने आके लोग बाहर से आके इन्वेस्ट करते हैं, तो इसकी रैंकिंग निकाली जाती है. अब रैंकिंग हमारी बढ़ी रही है, मतलब पहले हमारा 9th था, फिर 10 हुआ, अब 11th हो गया. देन ताहिरा सफदार हैज़ बीन नेम्ड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ विच नेशन, तो पाकिस्तान की ये ताहिरा सफदार जो बनी फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनी, तो आपको ये बताना कौन से नेशन की थी, ये थी पाकिस्तान के, एंड पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद. देन बिजली मित्र ऐप कौन से स्टेट के लिए लॉन्च की गई, तो ये की गई राजस्थान में, एंड ये होगा कि फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी कम रेट में प्रोवाइड की जाएगी. कारगिल विजय दिवस हम कब ऑब्जर्व करते हैं, इसे सेलिब्रेट ये करते हैं 26 जुलाई को. देन एक ब्रांच ओपन की जाएगी जहां सारी वुमेन्स होंगी, तो कौन सा बैंक ये ओपन करेगा, ये करेगा जम्मू एंड कश्मीर बैंक. देन प्राइम मिनिस्टर ट्रैवल जो मतलब बाहर के दौरे पे थे रिसेंटली, तो ये थे 3 कंट्रीज के, उगांडा रबांडा एंड साउथ अफ्रीका. देन विच कंट्री रिसेंटली अलाउडेड वुमेन टू फ्लाई एयरप्लेन्स, तो द आंसर इज साउथ अरेबिया. साउथ अरेबिया नहीं, नॉट सऊदी अरेबिया. देन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस रिजर्वेशन फॉर प्रमोशन इन एसटी एंड एससी एम्प्लॉयज, तो मतलब एसटी एंड एससी एम्प्लॉयज के लिए प्रमोशन के लिए में भी रिजर्वेशन होगी, तो ये कौन सी स्टेट के लिए हुआ, ये हुआ बिहार, बिहार की कैपिटल पटना. देन कौन सी कंपनी एक लॉन्च करेगी सैटेलाइट टू बीम इंटरनेट ऑन द अर्थ, तो ये करेगी फेसबुक, ताकि बाकी जहाँ पे इंटरनेट नहीं पहुँचता तो एक अपनी एक पर्सनल सैटेलाइट होगी, तो वहाँ वो ये इंटरनेट पहुँचाएंगे. देन विरासत ए खालसा म्यूजियम ऑफ सिख, ये कहाँ पे आई है, तो ये है हमारा पंजाब में. तो इसमें ये किस लिए आया, बिकॉज गवर्नमेंट ने फंड्स प्रोवाइड किए अराउंड 90 करोड़ कि वहाँ के टूरिस्ट प्लेस को डेकोरेट किया जाए, उसे और अट्रैक्टिव बनाया जाए, ताकि बाहर के टूरिस्ट और अट्रैक्ट हो पाए. देन इन विच इंडिया का एक होस्ट किया इंडिया ने 2+2 डायलॉग, बताना आपको किस नेशन के साथ किया एंड क्या होता है. ये किया हमारे यूएस के साथ. इसमें होगा क्या कि दो लोग हमारे इंडिया के होंगे, दो लोग वहाँ के होंगे, तो 2+2 डायलॉग होगा. ये होगा डिफेंस पे होगा एंड बाकी सिक्योरिटीज़ पे होगा. तो ये हुआ एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जाएंगे एंड उसके बाद हमारे दूसरे जाएंगे, हमारे डिफेंस मिनिस्टर जाएंगे. दो जगह मतलब ये दो पर्सन ये होंगे, तो सुमृता ईरानी जाएंगे, सुमृता ईरानी एंड दूसरी हमारी डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण. तो ये दो मेंबर्स हमारे इंडिया के होंगे. देन विच स्टेट पुलिस लॉन्च डिजिटल वॉलंटियर कैंपेनियन टू चेक रूमर्स, रूमर्स को कंट्रोल करने के लिए, चेक करने के लिए हमारे एक स्टेट ने ये कैंपेनियन लॉन्च किया, तो उसका आपको नाम बताना कौन सी स्टेट है, तो ये हमारी उत्तर प्रदेश. देन एक क्वेश्चन आपको ये बताना है कि
नेल्सन मंडेला डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ये करते हैं हम 18 जुलाई को। एंड गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका भी नेल्सन मंडेला को, मैंने ये काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी किए हुए, अगर आपने देखे होंगे तो श्योरली आप ये आराम से आपको इसका आंसर भी बताओ। देन हिमा दास हैज़ बीन अपॉइंटेड एज स्पोर्ट्स एम्बेसडर ऑफ विच स्टेट, कौन सी स्टेट की ये स्पोर्ट्स एम्बेसडर अपॉइंट की गई, तो ये की गई आसाम की, एंड आसाम की कैपिटल दिसपुर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बैंड एंगलिंग इन फॉरेस्ट, तो कौन सी स्टेट ने एंगलिंग इन फॉरेस्ट एरिया में बैन की, एंगलिंग हो गया कि जो मछली को पकड़ते हैं वो हुक टाइप से पकड़ते हैं ना हुक लगा के, तो उस चीज़ को बैन किया गया, तो ये किया गया उत्तराखंड में। देन विच स्टेट हैज़ लॉन्च द पौधागिरी कंपेनियन एम्ड एट इंक्रीजिंग ग्रीन कवर इन द स्टेट, तो कौन सी स्टेट में हुआ ये पौधागिरी कंपेनियन लॉन्च हुआ है, तो ये हुआ उड़ीसा में। देन विच स्टेट विच कंट्री हैज़ टॉप्ड इन द ग्लोबल रैंकिंग ऑफ नेशन सॉफ्ट पावर, नेशन सॉफ्ट पावर में किसने टॉप किया, ये किया यूके ने। इसमें है क्या मतलब इसका है कि किस कंट्री के साथ हम कोई एग्रीमेंट कर पाते हैं कितने आराम से, तो इस इन दिस कैटेगरी की यूके ऐसा है कि आराम से किसी भी कंट्री के साथ डील कर लेगा, बिकॉज जो अर्लियर उनकी चल रही हैं डील्स वो काफ़ी स्मूथली वर्क कर रही हैं, तो ये मतलब है इसका सॉफ्ट पावर नेशन का। तो फ्रेंड्स ये रहा पार्ट फर्स्ट, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा, तो अच्छा लगे इसे लाइक कीजिए। सेकंड पार्ट में मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उसमें बाकी रिमेनिंग सारे क्वेश्चंस शेयर कर दूँगा, एंड ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, लंबा हो भी चुका है, एंड एक और पार्ट होगा जिसमें दूसरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, एंड जुलाई मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगा तो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा अगस्त फुल मंथ करंट अफेयर्स। देखो मैं आपके साथ डेली करंट अफेयर्स की सीरीज शेयर करते आया हूं, अगर आपने वो नहीं भी देखी हो ना, अगर आप ये वीडियो फुल देख लें तो मैं आपको 101% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, अगर अगस्त मंथ का कोई भी करंट अफेयर्स अगर एग्जाम आने वाले में पूछा जाएगा ना, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज मैं डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेता हूं। अराउंड मैंने 280 क्वेश्चन शेयर किए थे फुल मंथ के, उसमें से मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाले, इस वीडियो में अराउंड 180 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, देखो इतने इंटरेस्टिंग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसका एक क्यूज होगा, सेम क्वेश्चन में मैं आपको आंसर भी बताऊंगा। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, एंड अगर मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है उसे शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो अब आपको आंसर्स कैसे बताने हैं, मैं आपको इसमें क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको इसका आंसर गैस करना है, देन इसी क्वेश्चन में मैं आपको इसका आंसर भी बताते चलूंगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट एजेंसी हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट अनमेम्ड टैंक मुंत्रा, तो इसका आंसर आपको गैस करना है। देखो मैं थोड़ी स्पीड में करूंगा बिकॉज 180 क्वेश्चन है, नहीं तो अगर हम मैं इसको एक्सप्लेन भी करता रहा तो काफी लेंथी वीडियो ना, एंड ये क्यूज होगा, तो इसमें मैं आपके साथ जस्ट ओनली क्वेश्चन शेयर करूंगा, आपको आंसर गैस करना है। ठीक है, इसका आंसर आपको गैस करना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सॉफ्टवेयर हैज बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन आईटी मिनिस्ट्री टू अनेबल एडिटिंग ऑफ टेक्स्ट ऑन स्कैंड इमेज, तो इसका आंसर आपको गैस करना है। देखो इसका आंसर आप गैस कर लो, तब तक मैं आपको इसका आंसर भी बता दूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर अगर आपको पता होगा, आपने गैस श्योरली कर लिया होगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जितने स्टूडेंट्स अपने आंसर गैस करेंगे ना, देखो आप सारे क्वेश्चन के कमेंट करके तो आंसर नहीं बताएंगे, बट आप अपना परसेंटेज बता सकते हो कि अराउंड आपने इतने परसेंटेज आंसर ठीक किए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर कर देना ज्यादा ज्यादा लोगों के साथ, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इमरान खान इज द लीडर ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी, उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताना आपको, इसका आंसर आपको गैस करना है। आई होप आपने आंसर गैस कर लिया, मैं थोड़ी स्पीड में करूंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान तारीख इंसाफ। विच कंपनी हैज बीन अवार्डेड विद मार्केटर ऑफ द ईयर बाय इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर आपको गैस करना है। तो इसका आंसर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अमूल। जब तक मैं क्वेश्चन रीड करता हूं तब तक आप इसका आंसर भी गैस कर लिया करो। नासा लॉन्च विच सैटेलाइट फॉर न्यू प्लैनेट हंटिंग, तो इसका आंसर आपको गैस करना है। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टेस्ट। ठीक है, टेस्ट की फुल फॉर्म है ट्रांजिशन एक्सोप्लैनेट सैटेलाइट सर्वे। ठीक है, देन विच इंडियन सिटी हैज बीन अप्रूव्ड फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग, तो इसका आंसर आपको गैस करना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। ठीक है, राजस्थान की कैपिटल। मधुमलाई टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो ये कौन से स्टेट में है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु।
स्टेट बैंक ऑफ विच कंट्री गॉट आरबीआई अप्रूवल टू ऑपरेट इन इंडिया? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशियस. विच स्टेट बिकम द फर्स्ट वन टू इंप्लीमेंट बायोफ्यूल पॉलिसी? तो कौन सी स्टेट बनी जिसने इंप्लीमेंट किया बायोफ्यूल पॉलिसी को फर्स्ट? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान. द स्टार्टअप इंडिया यात्रा हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट? तो ये कौन सी स्टेट से स्टार्ट हुई, आपको इसका आंसर गैस करना. इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अपनी गड्डी अपना रोजगार स्कीम फॉर जॉबलेस यूथ? देखो इसका आंसर आप आई थिंक आपने गैस कर लिया, वो इसकी टैगलाइन से ही. तो ऐसी लैंग्वेज कहां पे है, यह है जी अपने पंजाब में. विच रेयर बर्ड हैज बीन डिस्कवर्ड बाय इंडियन डॉक्टर्स? तो इसका आंसर आपको गैस करना है, इसका आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी, पी नल. हु हैज बीन चूजन फॉर राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड 2018? तो इसका आंसर आपको गैस करना है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जी ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गांधी. द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पेडिस्टेरियन सस्पेंशन ब्रिज हैज बीन ओपन्ड इन विच कंट्री? विच कंट्री? तो इसका आंसर आपको गैस करना है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड. मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज लॉन्च विच स्कीम इन पावर लूम सेक्टर? पावर लूम हो गया कपड़े बनाने वाली मशीन में, ठीक है. तो इसका आंसर जो करेक्ट आंसर वो आपको गैस करना है. तो जो न्यू स्कीम लॉन्च की उस स्कीम का नाम है जी ऑप्शन नंबर ए, साथी. देखो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है. विच स्टेट विच कंट्री हैज लॉन्च द हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गायोफन 11? तो इसका आंसर है जो ऑप्शन नंबर, आपको गैस कर लो इसका आंसर. देखो जो गायोफन की सीरीज है ना वो चाइना की सीरीज है, ठीक है. तो इसका आंसर भी है ऑप्शन नंबर डी, चाइना. विच कंट्री कैबिनेट हैज अप्रूव्ड इन लॉ दैट प्रोवाइड डेथ पेनल्टी फॉर दोज इन्वॉल्वड इन पायरेसी एट सी? तो कौन सी कंट्री की कैबिनेट ने यह अप्रूव किया, ठीक है. तो इसका आंसर आपको बताना है, पायरेसी हो गया जो डिकैती होती है ना, इसको हिंदी में बोलते हो, ठीक है. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपनी इंडिया. हु हैज बीन न्यू स्वॉन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान? तो इसका आंसर आपको गैस करना है, इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी, हसन रूहानी. गूगल प्लान्ड ए सेंसर्ड सर्च इंजन फॉर विच कंट्री? तो इसका आंसर आपको गैस करना है, ठीक है. इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी, चाइना. अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज मैं डेली आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर मैं एक्सप्लेन करने लगा ना तो फिर 2 आवर्स का वीडियो बन जाएगा. आरबीआई हैज बैड विच बैंक फ्रॉम एडिंग न्यू कस्टमर्स? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो जी ऑप्शन नंबर डी, फिनो पेमेंट बैंक्स. विच कंपनी बिगेन बिकम वर्ल्ड फर्स्ट ट्रिलियन डॉलर कंपनी? तो कौन सी कंपनी बन गई जी ये? तो ये बन गई जी अपनी ऑप्शन नंबर ए, एप्पल, ठीक है. सबसे महंगी कंपनी है हमारी. विच स्टेट हैज लॉन्च द मिशन स्वच्छ में जयते? तो ये कौन सी स्टेट ने ये मिशन लॉन्च किया, इसका आंसर जो आपको गैस करना है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो जो ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका. इंडिया फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी हैज बीन ओपन इन विच स्टेट? तो कौन सी स्टेट में ये ओपन हुई? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर. विच स्टेट बैंड कमर्शियल यूज ऑफ एलिफेंट इन इट्स नेशनल पार्क? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है जी ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड. तो आप इसका आंसर आप खुद ही गैस करेंगे, ठीक है. तब मैं आपको बार बार नहीं बोलूंगा, आपको गैस करना है. हु इज द ऑथर ऑफ द अनएंडिंग गेम? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जो ऑप्शन नंबर बी, विक्रम सूद. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज? तो इसका आंसर आपको गैस करना है, इसका आपको आंसर गैस करना है, इसका जो करेक्ट आंसर वो है धीरेन्द्र स्वरूप. विच स्टेट हैज लॉन्च शोर नहीं मोबाइल ऐप? तो इसको स्टार्ट किया जी ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश ने. विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन विल लॉन्च इट्स फर्स्ट पेमेंट बैंक पैन इंडिया? तो ये आज ही स्टार्ट हुई, 1 सितंबर को ही लॉन्च हुई है. तो ये कौन सी किस इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की जी, इंडियन पोस्ट ने.
हु हैज बिकेम द फर्स्ट मेंबर टू बी ए मेंबर ऑफ आईकैन. तो आईकैन है क्या? इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर असाइनिंग नेम्स एंड नंबर्स. बेसिकली ये इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए काम करता है. जो इंडियन बने, जो इसके मेंबर बने, तो उसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, अजय डाटा. इन विच कंट्री वर्ल्ड फर्स्ट इंटरटाइनल आर्ट गैलरी हैज बीन सेटअप. तो इसका आंसर आपको गैस करना है. जो इसका करेक्ट आंसर है वो जी ऑप्शन नंबर डी, मालदीव्स. के देश पांडे हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड. तो वो किस फील्ड से रिलेट करते थे? इसका आंसर जो आपको करेक्ट गैस करना है, इसका आंसर आज ऑप्शन नंबर डी, लाइब्रेरी साइंसेज. अब थोड़ी स्पीड में करते हैं बिकॉज वीडियो काफी ज्यादा लंबा बन रहा है. नाबार्ड हैज सैंक्शन ₹722 करोड़ फॉर विच. इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको गैस करना है. इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा. हु हैज बिकम द नंबर वन टेस्ट बैट्समैन रिसेंटली. तो ये कौन बन सकते हैं? ये जी अपने हमारे अपने कप्तान विराट कोहली. द यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 120 रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर फंडिंग अंडर विच स्कीम. तो कौन सी स्कीम जो बनेगी जिसके लिए 122 रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए फंड करेगी? तो इस प्रोजेक्ट का नाम होगा जो किस स्कीम के अंडर होगा, ये जी का ऑप्शन नंबर ए, इम्प्रिंट. विच स्टेट थिंक टैंक लॉन्च मूव हैक ए ग्लोबल मोबाइलिटी हैकाथॉन. तो ये किसने लॉन्च किया जी? तो ये किया जी ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग. अब तो इसका स्टार्ट भी हो गया ये. द हाईवेस्ट सैटेलाइट बाय ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विल बी हेल्पिंग इन विच फील्ड. तो किस फील्ड में हेल्प करेगी? जो हाईवेस्ट सैटेलाइट होगी हमारी ISRO जो इसे लॉन्च करेगा, तो वो करेगी जी, इसका आंसर आपको गैस करना है. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाने में हेल्प करेगी. विच कंट्री हैज वॉन वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप. कौन सी कंट्री ने इसे जीत लिया? इसे जीत लिया जी नीदरलैंड की वुमेन वर्ल्ड कप टीम ने, ठीक है. एंड जो 2018 का मैन होगा वो हमारे उड़ीसा में होगा, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में. फिफ्थ स्टेट लॉन्च मुख्यमंत्री कन्या आवास योजना. तो कौन सी स्टेट ने इसे लॉन्च किया? इसका आंसर आपको गैस करना है. क्वेश्चन का आंसर आपको गैस करना है. मुझे थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डाउट है, तो इसका मैं आंसर बाद में आपको बता दूंगा. आप इसे सर्च भी कर सकते हो. इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है कौन से स्टेट ने. एक्चुअली मैं खुद इसको मैंने दूसरी बारी देख रहा हूं, तो इसको आंसर मैं आपको बाद में बताता हूं, ठीक है. जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री 2000 स्टार्टेड विद कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री. देखो जो मैत्री ये होती है ना, ये होती है बिटवीन इंडिया एंड कौन सी कंट्री में, इसका आपको आंसर गैस करना है. इसका आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड, ठीक है. इंडिया और थाईलैंड के बिटवीन मैत्री होती है. पिच ब्लैक होती है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बिटवीन, ठीक है. एंड इंदिरा होती है इंडिया एंड रशिया के बिटवीन. विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड ए हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको गैस करना है. इसका जो करेक्ट आंसर है वो जी चाइना, ठीक है. विच बॉडी फॉर बैकवर्ड क्लासेस हैज बीन गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल रिसेंटली स्टेटस रिसेंटली. तो कौन सी नेशनल बॉडी बनेगी जो स्पेशल काम करेगी फॉर रिजर्वेशन? तो इसका जो आंसर है जी बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन, इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी, NCBC. फुल फॉर्म मैंने सामने लिखी. एम करुणा निधि हु पास्ड अवे वाज रिलेटेड टू विच फील्ड. तो किस फील्ड से रिलेट करते थे जी? वाज नॉट रिलेटेड टू. देखो राइटिंग से भी करते थे, पॉलिटिक्स से भी करते थे, फिल्म इंडस्ट्री से भी करते थे, बस वो डांस नहीं करते थे. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जी ऑप्शन नंबर डी, डांस, ठीक है. Amazon has signed a memorandum with which state? देखो Amazon ने एक memorandum साइन किया किसके स्टेट के साथ किया? इसका आंसर आपको गैस करना है. इसका जो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना. द आर्टिकल 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच स्टेट. तो किस स्टेट से रिलेट करता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर. इन विच कंट्री इंडियाज फर्स्ट एवर थर्मल पावर बैटरी प्लांट हैज बीन इनॉग्रेटेड. तो कौन सी कंट्री में हुआ ये स्टार्ट? तो ये जो है जी हमारा अपना अपने भारत में, इंडिया में, ठीक है. विच इंडियन अमेरिकन इज सोन गोइंग टू स्टेप डाउन एज पेप्सिको सीईओ आफ्टर 12 ईयर्स, आफ्टर 12 ईयर्स. तो अपने पोजीशन से स्टेप डाउन करेंगी. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जी इंदिरा नोवी, ठीक है. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू अपॉइंट लोक इंटरिम्स नेम लोक कल्याण मिंत्रा. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जी ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश. विच हाईकोर्ट रिसेंटली स्टार्टेड बैगिंग स्टेटेड दैट बैगिंग इन स्टेट इज नॉट ए क्रिमिनल एक्टिविटी. तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली हाईकोर्ट.
एम करुणा निधि पास्ड अवे, ही वाज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ विच से 5 बारी सीएम रह चुके, कौन से स्टेट के, अपना तमिलनाडु। साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री डेवलप्ड ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप विच में रिवर्स ह्यूमन सेल एजिंग, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है जी ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। विच प्लैनेट इज हेडिंग टुवर्ड्स ए इरिवर्सिबल हॉट हाउस स्टेट, तो इसका आंसर आपको गैस करना है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जी अपना अर्थ। इन विच स्टेट ए ऐप बेस्ड एक्सेस सिस्टम इज स्टार्टेड, तो कौन से स्टेट में ये स्टार्ट हुई, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, गोवा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली अनाउंस टू हैव ए फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम डेट यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जो इसका करेक्ट आंसर है आपको गैस करना है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो टोक्यो ओलंपिक्स। यूनियन मिनिस्टर सुरेश प्रभु रिसेंटली लॉन्च ए मोबाइल ऐप डेट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको गैस करना है, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, निरात मित्रा। विच इंडियन बायोस्फीयर हैज बीन बिकम द 11th वन टू बी एडिड बाय यूनेस्को WNBR, ठीक है, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, खान चंद डोंगा, ठीक है, ये कहाँ पे है, ये है जी सिक्किम में। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ यूएन ह्यूमन राइट्स, तो इसका आंसर आपको गैस करना है, इसका आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी, मिचेल बैचलेट। विच कंट्री वुमेन हैज क्लेंज्ड गोल्ड एट एशियन चेस कप 2018, तो कौन सी वुमेन्स ने इसे ये जीत लिया, तो ये जीता जी अपनी इंडियन वुमेन्स ने। हु गॉट 2 ईयर एक्सटेंशन और ट्राई चेयरमैनशिप, ठीक है, किस इंसान को, मतलब जो ट्राई के टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनको 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया, तो उनका नाम बताना आपको, आंसर गैस करना है इसका, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, RS शर्मा। व्हेन इज वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ऑब्जर्व, तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कौन सी डेट को हम ऑब्जर्व गैस करते हैं, वो करते हैं ऑप्शन नंबर बी, August 10। हु विल बी द फ्लैग बेयरर इन एशियन गेम, देखो जो ओलंपिक्स हम 2 को खत्म भी होने वाले हैं, तो एशियन गेम सॉरी, तो कौन फ्लैग बेयरर कौन रहे हमारे, वो रहे जी नीरज चोपड़ा, इन्होंने तो अब गोल्ड भी जीत लिया, ठीक है। हु विच रिनोड पर्सनैलिटी वॉज द ऑथर ऑफ तमिल हिस्टोरिकल नॉवल धन पांडी सिंगम, तो ये किसने लिखी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एम करुणा निधि। सो फ्रेंड्स, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, देखो ये पार्ट 1 मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, इसमें मैंने अराउंड 80 प्लस क्वेश्चन शेयर कर चुका हूँ मैं, ठीक है, तो इसको हम 2 पार्ट में बनाएंगे, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी लेंथी भी हो जाएगा, देन आपको इतना टाइम पढ़ने में भी आप बोर भी हो जाओगे, ठीक है। फिलहाल आपके साथ जितने मैंने क्वेश्चन शेयर किया आप इनका, आई होप आपने इसका आंसर्स आपने करेक्टली गेस किए होंगे, ठीक है, तो इसको हम 2 पार्ट में रिलीज करेंगे, देखो आज हो गया, मैं कल इवनिंग में इसका दूसरा पार्ट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आपका एक ही दिन में ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, 2 दिन में हम इसको पूरे मंथ के करंट अफेयर्स आपके साथ शेयर कर देंगे, ताकि आपको दोबारा भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा, अच्छा लगे इसे लाइक जरूर कर देना, इसे शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग सब वीडियो, सो वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कर देना, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम एंड अंटिल Take care and best of luck. फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ 1st वीक ऑफ सितंबर करंट अफेयर का क्यूज, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, सेम क्वेश्चन में मैं आंसर भी आपको बता दूंगा, एंड अगर आप मेरे डेली वीडियोस देखते आए देन श्योरली आप हर क्वेश्चन का आंसर आराम से कर पाएंगे, एंड अगर आपने नहीं भी देखे तो सारे क्वेश्चन लूंगा आपका, उसका रिवाइज भी हो जाएगा, एंड अगर नहीं भी देखे तब भी आप इसे देख सकते हो, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, एंड अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर जरूर कर दें अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ठीक है, स्पीड में करूंगा ताकि ज्यादा लेंथी ना वीडियो बने एंड आप ज्यादा बोर ना हो एंड आराम से सारे क्वेश्चंस रिवाइज भी हो जाए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन रीजनल मैरिटाइम एक्सरसाइज ककाडू, तो ककाडू में किसने पार्टिसिपेट किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो INS सहाद्री, एंड इसको हमने जीत भी लिया, एंड इंडिया एंड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया हुई, ठीक है, इंडियन नेवी करती है, ठीक है, इसमें इसको ऑर्गेनाइज। देन सेकंड क्वेश्चन, विच एयरपोर्ट वॉज रिसेंटली चेंज टू छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो पहले महाराज
था इसमें अब महाराजा ऐड हुआ, तो ये कहाँ पे एयरपोर्ट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुंबई। जब तक मैं क्वेश्चन रीड करता तब तक आप इसका आंसर गैस कर लो, ठीक है, अदरवाइज वीडियो लेंथी हो जाएगा। विच ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू लॉन्च इट्स फर्स्ट पेमेंट बैंक ऑन 1st September? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, इंडियन पोस्ट, ठीक है। विच कंट्री हैज़ बीन नेम्ड एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर फॉर 29th एडिशन ऑफ आबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन आर वर्किंग टूगेदर टू डेवलप वैक्सीन फॉर विच डिजीज, तो किस डिजीज के लिए एक वैक्सीन बना रहे हैं इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन्फ्लुएंजा। एंड कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कई बार आगे नीचे हो जाता है ऊपर नीचे हो जाता है, तो अब मैं कोशिश करूंगा कि टू द पॉइंट पे ही, मतलब जो आंसर है उसी पे एग्जैक्टली करूँ, ठीक है। मैं करता तो वही था एक्चुअली, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता था, बट मैंने विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम इंडियाज लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, वोडाफोन आइडिया। एंड फर्स्ट जो सीईओ इसके अपॉइंट हुए वो है बिलेश शर्मा। देन एचआरडी मिनिस्ट्री लॉन्च अटल रैंकिंग फॉर विच इंस्टीट्यूशंस, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। देखो एक्सप्लेन मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, बिकॉज मैं डेली हर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उसमें मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अगर वो वीडियोज़ नहीं देख रहे हो तो वो जरूर देखा करो, ठीक है, ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। देन रिसेंटली एन एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री ऑन रेलवे लाइन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, नेपाल, ठीक है। देन RBI हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच बैंक, तो राजस्थान का एक बैंक है बिलवारा महिला अर्बन, वहाँ पे जो इतना वो लाइबिलिटी के अंडर था कि वहाँ के अपने जो लोगों की डिपॉजिट था वो भी नहीं दे पा रहा था, RBI ने इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया, ठीक है। बीमस्टेक का नया अध्यक्ष कौन सी कंट्री को बनाया गया, इसका जो करेक्ट आंसर है श्रीलंका, ठीक है, पहले नेपाल था। देन अमित पंगाल ने कौन सा मेडल जीता रिसेंटली, तो ये आपको इसका बताना है करेक्ट आंसर। तो रिसेंटली क्या, आप एशियन गेम्स खत्म भी हो चुके हैं, तो इन्होंने बॉक्सिंग में जीता था गोल्ड, ठीक है, एंड जो 15th गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था लास्ट वाला। देन यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में मेंशन है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 44, ठीक है। मैं एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं कर रहा बिकॉज मैंने डेली किया हुआ आपके साथ। हु हैज बीन इलेक्टेड द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, सुनील मेहता, ठीक है। हु हैज बीन स्वॉर्न एज द फर्स्ट फीमेल हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इन पाकिस्तान, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ताहिरा सफदार। हु विल टेक एज द आवर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम अक्टूबर 2018, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, रंजन गोगोई, ठीक है। देन विच कंट्री टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट ट्रैवल इन 2017 साउथ एशिया रीजन्स, तो इसमें टॉप किसने किया, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हमारी अपनी इंडिया ने, ठीक है। हु रिसेंटली इनॉग्रेटेड द फर्स्ट हाईटेक क्रूज अलकनंदा ऑफ गंगा, ठीक है, तो इसको किसने इनॉग्रेट किया, इसको यूपी के सीएम योगीनाथ आदित्यनाथ जी ने इसे इनॉग्रेट किया। हाईटेक क्रूज होगी अलकनंदा, जो गंगा के आसपास घूमेगी, किनारों पे घूमेगी, एंड इसमें टूरिस्ट 60 से ज्यादा टूरिस्ट एक टाइम बैठ सकते हैं, तो वहाँ की ब्यूटी को इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। देन इसका नाम भी अलकनंदा। हाउ मैनी प्रेजिडेंट हमारे कौन सी कंट्री, कितनी कंट्रीज में ले गए हुए, 8 दिन के टूर पे गए हुए, तो ये गए हुए 3 कंट्रीज में, ठीक है। देन हु वॉज नेम्ड द मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर इन इंडोनेशियन एशियन गेम्स, तो मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर रही रिकाको इकी। देन ओबीसी पॉपुलेशन कब से कैलकुलेट की जाएगी, कौन से सेंसस से, तो ये 2021 के जो आने वाले सेंसस हैं ओबीसी पॉपुलेशन को भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देन ISRO विल बी सेटअप इट्स फर्स्ट ग्राउंड स्टेशन सेटेलाइट, मतलब एक अपने ग्राउंड स्टेशन बनाएंगे, कौन से न्यू प्लेस पे बनाएंगे, ठीक है। साउथ पोल पे ऑलरेडी है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ पोल। देन हु इज द ऑथर ऑफ बुक मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड, इस बुक के ऑथर कौन से, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विनायक नायडू, ठीक है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट। देन हु हैज रिसेंटली अनाउंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन कार्ड वन नेशन पॉलिसी, तो इसे किसने इम्प्लीमेंट करने का ऑर्डर दिया, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नीति आयोग, ठीक है। विच मंथ इज ऑब्जर्व एज द न्यूट्रिशन मंथ, कौन सा मंथ इसे ऑब्जर्व किया जाएगा न्यूट्रिशन मंथ, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सितंबर जो चल रहा है हमारा, ठीक है, नौवां महीना। देन विच फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंग्लैंड के कैप्टन ने रिटायरमेंट ले ली थी, आपको बताना है कि आफ्टर फाइनल टेस्ट इंडिया के खिलाफ जो खेला जाएगा फाइनल टेस्ट के बाद, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम अलिस्टर कुक, ठीक है। स्पीड में भी कर रहा हूँ, आई होप आपको मज़ा ही आ रहा होगा वीडियो को, बिकॉज मैंने काफ़ी बार एक्सप्लेन किया, जिसने तो वीडियोज़ रेगुलरली देखें तो वो उसके लिए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली, जिसने नहीं भी देखे उसको भी तो आंसर्स पता ही चल रहे हैं। विच ऑफ द मतलब आपको इसमें बताना है कि विच गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस द मोबाइल्स देंगे वुमेन्स को बिलो BPL, जो BPL फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो कौन सी स्टेट की, ठीक है, तो वो होंगे राजस्थान के। देन विच कंट्री नेवी वॉन ककाडू कप 2018, तो ये किसने जीता, ये जी हमारे अपने इंडिया ने जीत लिया, ठीक है।
हु वॉन गोल्ड एट ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो किसने गोल्ड मेडल जीता शूटिंग में, तो करेक्ट आंसर इज ओम प्रकाश मिथ्रवाल. देन लेप्टोपिरोसिस ए डिजीज कौन सी है, केरल में इसके इन्फेक्शन हुई है, ठीक है, तो ये इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है, तो केरल में काफी फ्लड आया, वो उस वजह से ये डिजीज काफी फैली है एंड काफी लोगों की डेथ भी हो गई इसके कारण. देन काजिंद 2018 मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड कौन सी कंट्री के बिटवीन होती है ये, तो काजिंद होती है जी कजाकिस्तान के बिटवीन एंड काजिस्तान की जो कैपिटल है वो है अस्थाना, इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है. देन मिनी स्पेस एलिवेटर मतलब लिफ्ट बनाएगी कौन सी कंट्री बनाएगी, सैटेलाइट्स में जो मतलब एक सैटेलाइट से दूसरी सैटेलाइट में स्पेस में जाने के लिए एक लिफ्ट बनाई जाएगी, एक टेस्टिंग चल रही है तो ये बना रही है जापान, ठीक है. देन कौन से इंडियन प्लेयर ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की रिसेंटली, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आरपी सिंह, ठीक है. देखो आप अब एग्जैक्टली तीसरे पे ही मार्क हो गया था, बस इसका जो करेक्ट आंसर है आरपी सिंह. इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी कौन से डे हम सेलिब्रेट करते हैं ऑब्जर्व करते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है 5 सितंबर जिस दिन टीचर्स डे होता है. देन विच नेशन होस्टेड द इंटरनेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योर समिट, तो कौन से नेशन ने इसे होस्ट किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए नेपाल. 2+2 डायलॉग हुआ आपको बताना है इंडिया एंड कौन सी कंट्री के बिटवीन हुआ, ये हुआ इंडिया एंड यूएसए, ठीक है, ये मैंने इसको यूएसए भी कर दिया, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूएसए. पाकिस्तान प्रेसिडेंटल इलेक्शन किसने जीत लिए, तो पाकिस्तान के जो न्यू प्रेसिडेंट बनेंगे उनका नाम है आरिफ अलवी. देन ए बुक ऑन महात्मा गांधी हैज बीन रिलीज लॉन्च रिसेंटली, तो इसकी बुक का नाम जो है वो है नई तालीम, आज के क्वेश्चन आगे, ठीक है. सुप्रीम कोर्ट हैज डिसक्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअलिटी अंडर, तो कौन से सेक्शन के अंडर है ये है अंडर 377, ठीक है, तो अब जो होमोसेक्सुअलिटी है वो लीगल हो गई हमारे इंडिया में. यूनियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू मेक विच स्कीम ओपन एंडेड विद मोर इंसेंटिव्स, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो प्रधानमंत्री जन है, इसमें जन भी है, ठीक है, मैं लिखने की कोशिश करता हूँ बट मैं लिख नहीं पाऊंगा, ये माउस की माउस से ना लिखना नहीं जा लिखे नहीं जाता, जे एच ए एन, समझ जाना, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है प्रधानमंत्री जनधन योजना. देन विच एयर फोर इंडियन एयर फोर्स सक्सेसफुली कैरिड मिड एयर फिलिंग ऑफ विच एयरक्राफ्ट, मतलब हवा में चलते चलते इसमें एयर पेट्रोल फिलिंग, पेट्रोल नहीं जो वहाँ जो इसमें फ्यूल होता है यूज़ होता है जो एयर एयरप्लेन्स में, तो वो हुआ चलते चलते में इन्होंने इसकी फिलिंग की, तो किस में ये टेस्टिंग हुई, इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपना तेजस या अपना इंडिया का अपना इंडिजिनस है, ठीक है. देन इंडिया कोलेबरेटेड विद विच कंट्री टू वर्क ऑन ज्ञानयान, ज्ञानयान जो 2022 तक लॉन्च करेंगे तो इंडिया किसके साथ कोलेबरेट करके इसे लॉन्च करेगा, तो करेक्ट आंसर इज फ्रांस, ठीक है. देन हु वॉन गोल्ड मेडल इन 10 मीटर एयर पिस्टल एट ISSF, तो इन्होंने ओलंपिक्स एशियन गेम्स में भी जीता था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सौरभ चौधरी. देन न्यू ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए जो BSNL के, तो ये हैं जी मैरी कॉम, ठीक है. तो फ्रेंड्स ये रहे पूरे वीक के क्वेश्चन, मैंने एक भी क्वेश्चन मिस स्किप नहीं किया, जितने क्वेश्चंस थे सारे शेयर किया है, आपको वीडियो हेल्पफुल जरूर लगा होगा. देखो मैंने स्पीड में इसलिए किया बिकॉज मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था एंड ये क्यूज था, ठीक है, तो आपको इसका आंसर्स गैस करने थे एंड रिवीजन था, तो आई होप आपको ये अब आराम से आपने इसके आंसर जरूर गैस किए होंगे एंड कमेंट करके आप मुझे बता भी सकते हैं आपने कितने आंसर्स इसके एग्जैक्टली करेक्ट आपने इसके गेस किए, ठीक है. तो आई होप आपको वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा, अच्छा लगे इसे लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो. देखो मेरा ये रहता है कि हर वीडियो को मैं इंटरेस्टिंग बनाऊं एंड अगर मैं करंट अफेयर्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं तो करंट अफेयर्स की एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, उसको मैंने कुछ नॉट ओनली शेयर करना है उसको आपको याद भी करवाना है अच्छे से, ठीक है. तो इसलिए मैं बार बार चीज़ों को रिपीट करता हूं. देखो फर्स्ट वीक के किए मैं सेकंड वीक के भी करूंगा, उसमें फर्स्ट वीक के भी इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा एंड एट द एंड पूरे मंथ के करंट अफेयर्स भी लूंगा, 3-4 बार ही करेंगे तो वो 101% आपको हमेशा के लिए याद रह जाएंगे, ठीक है. तो आई होप आपको वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा, इसे लाइक जरूर कर देना, इसे शेयर करना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इसे लाइक जरूर कर देना. थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक.